Hello students, today we are going to discuss the chapter number 5, that is organizing. As you people remember in the last class, what you people have did? You people have done planning as well as business environment. तो जो आज की आपकी क्लास है बच्चों, जो हमारा प्रोजेक्ट लक्ष्य का जो आज थर्ड क्लास है, इसका हमारा जो फोकस है वो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के ऊपर है। तो वही हमारा जो फॉलोअप रहेगा कि आपके जो बोर्ड के जो प्रीवियस ईयर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है based on case studies that we will be putting up in this class, और आप लोग जो है इसको ढंग से सुनिएगा, it will help you a lot. Now we come on the next slide. बच्चों, अगर आप में से कोई new students हैं जो आज पहली बार class ले रहे हैं, तो आपको aspiration का अपना पता होगा, आपके पास accounts का जो आपका detail होगा, login और password, उसको आपको aspiration की जो site पर जाना है, career launcher की, उस पर आपको अपना लॉगिन करना है, पासवर्ड उसको अपना डालना है, और लॉगिन करके आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस आएगी रिगार्डिंग प्राइमरी टूल्स, जो आपकी बोर्ड हेल्पलाइन है, एनसीईआरटी बुक्स है, इनको आप फॉलोअप कर सकते हो। जो आपकी वीडियोस प्रीवियस क्लासेस की आपने अगर क्लासेस मिस कर दी है लक्ष्य की, तो वो भी आप यहाँ पर जो है अपना एक्सेस कर सकते हो। और अगर आप लोगों को कोई और इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो वी हैव द टेलीग्राम ग्रुप, यू कैन आस्क इन दैट ग्रुप, वी कैन हेल्प यू अकॉर्डिंगली। नाउ बच्चों, क्योंकि ये क्लास है और क्लास में टीचर और स्टूडेंट्स होते हैं, और साथ में एक तीसरी चीज होनी बहुत जरूरी है, दैट इज डिसिप्लिन, दैट यू पीपल आल्सो लुक आफ्टर। तो अगर आप लोग क्लास ले रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन बनाए रखना है। सेकेंडली, आपके पास चैट बॉक्स होगा, चैट का ऑप्शन होगा, उस ऑप्शन पे अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, यू कैन चैट देयर, और आपकी क्वेरीज को जो है हम साइमल्टेनियसली डिफरेंट फेजेस में हम उसको आपको अकॉर्डिंगली अटेंड करेंगे और उसका जो है आपको रिवर्ट करेंगे। फिर भी अगर आप में से कोई बच्चा इसमें से रह जाता है, किसी की जो क्वेरीज है अगर वो क्लास टाइमिंग में नहीं हो पाती है, तो आपको कोई वरी होने की जरूरत नहीं है, आप अपने टेलीग्राम ग्रुप में उसको टेस्ट कर सकते हैं, हम उसको जो है बहुत शॉर्ट स्पैन में आपको उसको रिवर्ट करेंगे और आपकी प्रॉब्लम को ओवरकम करेंगे। और डिसिप्लिन की बात रही, तो आपको अपने टीचर्स, अपने फ्रेंड्स, जो भी क्लास ले रहे हैं बच्चे, उनके साथ डिसिप्लिन बनाए रखना है। एनोइमस कोई भी बात नहीं करनी है आपको, केवल जो बात करनी है स्टडी से रिलेटेड करनी है, जो मौज मस्ती करनी है वो आफ्टर क्लास करनी है, विद इन द क्लास नहीं करनी है, क्योंकि जो हमारा कॉमन ऑब्जेक्टिव है वो हार्म नहीं होना चाहिए, दैट इज योर बोर्ड एग्जाम्स, जो अभी नेक्स्ट मंथ में आपके स्टार्ट हो जाएंगे, इवन दिस मंथ आपके स्टार्ट हो जाएंगे 24-25 ऑनवर्ड्स। थैंक यू। नाउ वी कम द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट स्लाइड। नाउ we have the chapter of organizing. In this chapter, we firstly I'm going to discuss with you learning objective. अब learning objective chapter के अलग होते हैं, क्योंकि मैं आपको chapter नहीं पढ़ा रहा हूँ, chapter को एक short span में हम discuss कर रहे हैं with respect to important questions. तो हमारा जो question framing का जो criteria है बच्चों, इस तरीके से है कि हमने इसमें जितने भी questions लिए हैं, इस contest में लिए हैं, एक तो पहला contest है आपका case studies based, दूसरा आपका है important topics. इस चैप्टर में से जितने भी टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, जो भी बोर्ड में प्रीवियस ईयर्स 10-15 ईयर्स में आए हुए हैं, तो जो क्वेश्चन फ्रेमिंग है, जो क्लास डिस्कशन का पार्ट है, वो उन्हीं क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है, जिससे आपके जितने भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है विद रिस्पेक्ट टू रिकैप्चुलेशन ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ केस स्टडीज, और सबसे लास्ट ऑब्जेक्टिव जो हमारा इसका है लर्निंग ऑब्जेक्टिव, कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस क्लास यू पीपल विल बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। तो ये सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो आज की क्लास में हम इसको फॉलो अप करेंगे, तो प्लीज मेंटेन द डिसिप्लिन और क्लास में कोऑपरेट करिएगा, आई कैन अश्योर यू आपको इसको बहुत बेनिफिट होने वाला है। नेक्स्ट बच्चों, ये बोर्ड का जो है सीबीएसई का जो सजेस्टेड क्वेश्चन पेपर का डिजाइन है, ये थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि मेरी आपसे फर्स्ट इंटरेक्टिव क्लास है ये, तो इस जो सीबीएसई का पेपर डिजाइन है, इसके अंदर सीबीएसई ने 3 टाइप्स के क्वेश्चन फ्रेमिंग के बारे में डिस्कस किया है। जो पहला फ्रेमिंग है वो है रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। रिमेंबरिंग का मतलब होता है बच्चों स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब जहां आपका माइंड कंजम्पशन इतना नहीं होता, अगर आपने पहले से लर्निंग किया हुआ है, कॉन्सेप्ट को समझा हुआ है, अगर आपके माइंड में वो चीज है, तो आसानी से आप उसे अपने आंसर शीट पे कर सकते हो, तो उसे हम रिमेंबरिंग में कवर करते हैं। अंडरस्टैंडिंग में होता है कि क्वेश्चन आता तो ईजी है, बट थोड़ा सा इनडायरेक्ट होता है। तो अगर हम सीबीएसई के बोर्ड पेपर डिजाइन को फॉलो अप करें, तो इसमें 55% वेटेज जो है उन्होंने रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग पे दी है, और ऑलमोस्ट 45% वेटेज उन्होंने अप्लाइंग और एनालाइजिंग पे दी है। तो जो केस स्टडीज आती है, जो केस स्टडीज डिफिकल्ट होती है टेक्निकली, वो अप्लाइंग और एनालाइजिंग में आती है। पर इसका ये भी मीनिंग नहीं है कि केस स्टडीज रिमेंबरिंग में आती नहीं है,
वहां पर भी केस स्टडीज आती है, बट वो केस स्टडीज का जो लेवल होता है बच्चों स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। बेशक केस स्टडीज ने आपको बहुत सारी स्टोरी बता रखी है, पर लास्ट में आके केस स्टडीज आपको बिल्कुल जो है ईज कर देती है और स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका आंसर अटेम्प्ट हो जाता है। तो वो स्मार्टनेस ऑफ ए चाइल्ड होती है, रीडिंग स्किल्स होते हैं कि बच्चे को अगर केस स्टडी पढ़ी आती है तो आसानी से वो अटेम्प्ट हो जाती है। तो केस स्टडीज अगर हम बात करें तो केस स्टडीज से ऑलमोस्ट पूरे बीएससी के पेपर में ही होती है। जो आपके 34 क्वेश्चंस होते हैं वी ऑल्सो डिस्कस देयर, उसमें से ऑलमोस्ट पूरा पेपर ही केस स्टडीज बेस्ड होता है। तो केस स्टडीज ये नहीं है कि 45% का वेटेज है, तो ये बात ध्यान रखना। केस स्टडीज डायरेक्ट क्वेश्चंस में भी आती है, बट अगर आपने केस स्टडीज को एक बार प्रॉपरली रीड कर लिया तो यू पीपल कैन इजिली अटेम्प्ट, उससे आपको कोई वरी होने की जरूरत नहीं। नाउ एज यू पीपल नो देयर आर 34 क्वेश्चंस इन योर बीएसटी पेपर कैरिंग द वेटेज ऑफ 80 मार्क्स। The first 20 questions belongs to one mark. उसमें variety of questions होते हैं, we'll also discuss later. 3 marks के 4 questions हैं, 4 marks के 6 questions हैं, and 6 marks के 4 questions हैं. और ये bifurcation of marking है जो हमने discuss करी हुई है और आप लोगों को CBSE sample paper में देखने को देखा होगा आपने। Now ये जो है बच्चों ब्लू प्रिंट है, ये ब्लू प्रिंट मैंने जो है लास्ट 4-5 ईयर्स के सैंपल पेपर प्रीवियस पेपर से बनाया है। इसमें मैंने ये बताने की कोशिश करी है आप लोगों को कि इस चैप्टर की ऑलमोस्ट वेटेज क्या है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि बीएसटी का सिलेबस क्या है बच्चों। देयर आर 12 चैप्टर्स, फर्स्ट 8 चैप्टर्स इन फर्स्ट बुक, रिमेनिंग 4 चैप्टर्स इन सेकंड बुक, बिजनेस स्टडीज 1 एंड बिजनेस स्टडीज 2। तो हर चैप्टर की बच्चों वेटेज है। 80 मार्क्स में ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं होगा जो बोर्ड में नहीं आएगा। हर चैप्टर की एक वेटेज है। अगर आप 80 को 12 से डिवाइड करो तो ऑलमोस्ट 6-7 का वेटेज आता है, तो वही एवरेज निकल के आता है। तो ऑन एवरेज अगर मैं मिनिमम मार्क्स की भी बात करूं, कोई ऐसा चैप्टर नहीं होगा जो मिनिमम 5 मार्क्स से कम बोर्ड में आता हो। तो आप मान के चलना कि अगर आपने एक चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर किया है तो 5-6 मार्क्स आपके प्लस हो गए, और यदि वो चैप्टर आप कोई छोड़ देते हो, उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड होके नहीं जाते हो, तो 5-6 मार्क्स आपके माइनस भी हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंगली ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट 4-5 ईयर सीबीएसई सैंपल पेपर्स बोर्ड पेपर्स, इस चैप्टर का जो मुझे वेटेज लगता है बच्चों वो नियर 8 मार्क्स का वेटेज लगता है। तो अप्रॉक्सीमेट मेरे हिसाब से अगर आप ये चैप्टर थोरली पढ़ के जाते हो, सिस्टमेटिकली इसको फॉलोअप करते हो, तो 8 out of 80, 10% का वेटेज या अकेला चैप्टर कैरी करता है। तो दिस इज वन ऑफ द हैवी वेट चैप्टर ऑफ क्लास 12 बिजनेस स्टडीज सिलेबस। नाउ दिस इज योर सिलेबस बच्चों, आपने देखा होगा, पढ़ा भी रखा है स्कूल के अंदर आपने कि क्या क्या सिलेबस के अंदर है। इस चैप्टर में से पहली बात यह है बच्चों, कुछ भी डिलीटेड नहीं है। एक एक चीज जो भी आपके एनसीईआरटी की बुक में सारी है, इसमें आपको कोई ऑप्शंस नहीं है। तो अब ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि ये कटा हुआ है ये नहीं कटा हुआ है। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ एनसीईआरटी हैज बीन कवर्ड इन दिस चैप्टर विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनाइजिंग। ये आपका सिलेबस है और आपने देखा हुआ भी है। नाउ यही बात मैंने लिखी हुई है कि आपको सब कुछ पढ़ना है, कुछ छोड़ना नहीं है। सेकेंडली, आप लोगों के पास हो सकता है बहुत सारी बुक्स हो प्राइवेट ऑथर्स की, ठीक है जी, पर हमारा जो फर्स्ट फोकस रहता है वो एनसीईआरटी पे रहता है बच्चों। और मैं एनसीईआरटी को अपने पर्सपेक्टिव में पता है क्या बोलता हूँ, भगवत गीता। हमारे लिए एनसीईआरटी भगवत गीता जी की तरह है, कुरान की तरह है, बाइबल की तरह है। अगर आपने इसको रिलीजियस बुक की तरह फॉलोअप किया, रिलीजियस बुक में क्या बात होती है बच्चों, जितनी बार पढ़ो उतना कम है। हर बार नई चीज निकल कर आती है, नई समझ निकल के आती है, कुछ ना कुछ नॉलेज आपकी एक्सपेंड होती है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको ध्यान रखना है कि जितनी बार आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ोगे उतनी बार आपका नॉलेज, आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और मार्क्स भी आपके एडिशन होंगे। तो एनसीईआरटी कोई वन टाइम रीडिंग प्रोसेस नहीं है। एनसीईआरटी आप एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार पढ़ सकते हो पढ़ो। पहले भी पढ़ रखी होगी तो अभी ये नहीं कि एक बार बीएसटी हमने एनसीईआरटी पढ़ ली तो अब हाथ नहीं लगाना। एनसीईआरटी के बीच में से क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, तो याद रखना कि अगर आपने एनसीईआरटी को थोरोली नहीं पढ़ा है, प्रॉपर मार्किंग नहीं करी है हाईलाइटर से, इंपॉर्टेंट लाइंस को, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट नहीं करा है, चाहे बॉक्सेस में फिगर्स हो, वहीं से केस स्टडीज बन के आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ लॉस हो सकता है। तो अभी भी टाइम है, अभी भी कमिंग बैक वाला आपके पास एक ऑप्शन है। तो अभी भी एनसीईआरटी अगर आपने नहीं पढ़ी है, हार्डली 12 चैप्टर्स आर देयर, जिसमें से 2-3 चैप्टर तो बहुत छोटे से हैं, तो हार्डली 1 week से लेकर 10 days की आप स्ट्रेटेजी बना सकते हो एनसीईआरटी को थोरली पढ़ने की। मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में 1-2 घंटे का आप टाइम निकालिए, एक एक लाइन आप उसको रिव्यू कर सकते हो। और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में हमसे डिस्कस भी कर सकते हो। नाउ बच्चों, सिंस आर चैप्टर बिलोंग्स टू ऑर्गेनाइजिंग, तो ये जो हमारे को आपके सामने पीपीटी दिख रही होगी बच्चों, प्रेजेंटेशन, इसमें 2 मैंने आपके साथ पिक्चर शेयर करी है। अगर आप फर्स्ट पिक्चर को ऑब्जर्व करिए तो फर्स्ट पिक्चर पे आपको क्या दिख रहा है, आई एम ट्राइंग टू गिव द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग थ्रू दिस पिक्चर। तो इस पिक्चर में दिखाया गया है कि एक मैन पावर है, अगर आपको दिख रहा हूं, ये एक मिस्टर एक्स है एंड दिस इज मिस्टर वाई,
ये कुछ चीजों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ब्रेक हुआ हुआ है या कोई अलग अलग इंडिविजुअल एक्सपेक्ट की थिंग्स है जिनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जोड़ेगा कौन, उसके लिए आपको मैन पावर चाहिए, मैन पावर वन, मैन पावर टू। जैसे ही इस चीज को जोड़ेंगे वो ऑर्गेनाइज हो जाएगी, सिस्टमेटिक हो जाएगी, उसका कोई सेंसिबल मीनिंग आ जाएगी। यही चीज समझाने की कोशिश करिए पिक्चर वन के अंदर, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग से अगर मीनिंग निकालते हैं तो बच्चों क्या मीनिंग निकलता है, एक बार हम पिक्चर टू को भी ले लेते हैं, फिर मैं आपको ब्रॉड मीनिंग थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ ऑर्गेनाइजिंग का फटाफट, फिर हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। इस पिक्चर में अगर सेकंड पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में आप लोग ऑब्जर्व करते हो बच्चों, तो इस पिक्चर के अंदर हमने एक रूम दिखाया, रूम के अंदर एक कबर्ड बोर्ड है जिसमें बहुत सारे आपके रैक्स बनी हुई है, वहां पे क्लोथ्स बहुत सिस्टमेटिकली अरेंज्ड है, बहुत सिस्टमेटिकली उनको मेंटेन किया हुआ है। तो दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर वर्ड द टर्मोलॉजी इज ऑर्गेनाइजिंग। कई बार किसी के फंक्शन में जाते हो, आते हुए बहुत आप उसको जो है प्रेज करते हो कि यार बड़ा मजा आ गया, हर चीज वेल ऑर्गेनाइज थी, वेल अरेंज थी, जो चीज जहां होनी चाहिए वही थी, सिस्टमेटिक थी, सर्विस बहुत अच्छी थी। तो दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द टर्मोलॉजी ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग को हम अगर बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में बोले, सिंपल भाषा में बोले, जनरल आम भाषा में, तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। ऑर्गेनाइजिंग का सेकेंड मीनिंग होता है स्ट्रक्चरिंग। ऑर्गेनाइजिंग का थर्ड मीनिंग अगर हिंदी में निकाले, किसी चीज को आयोजन करना। जैसे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी दिल्ली के अंदर रामलीलाएं होती है, जब अपना ये दशहरे का टाइम आता है रामलीलाएं होती है, बहुत हाई स्केल पे, बहुत पैरामीटर्स पे डिस्प्ले होता है। तो वो क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है। अभी हमारा जो 26 जनवरी को जो हमारा 26 जनवरी का परेड होता है, उसको भी गवर्नमेंट क्या करती है, ऑर्गेनाइज करती है। बाहर से फॉरेन जो है मिनिस्टर्स, फॉरेन प्राइम मिनिस्टर्स दूसरी अदर कंट्रीज के, उनको गवर्नमेंट क्या करती है, इन्वाइट करती है, पूरा अरेंजमेंट होता है, पूरी कंट्री से बहुत सारी जो है झांकियां मंगवाई जाती है, उनको पूरा परेड ग्राउंड पे चलाया जाता है, पूरा ऑर्गेनाइज्ड होता है, सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। कुछ दिन पहले से मेट्रो में आपने देखा होगा सिक्योरिटी टाइट हो जाती है। तो ये सब चीजें स्ट्रक्चरिंग का पार्ट रहती है बच्चों, जो ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड होती है। तो ऑर्गेनाइजिंग अगर आपको समझना है, तो बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम बात करें, अगर आपको ऑर्गेनाइजिंग और डेप्थ में समझना है, तो अगर आपको याद हो बच्चों, मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। जो पहला फंक्शन होता है प्लानिंग, उसमें क्या मीनिंग होता है, अगर आपको याद हो, प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू। तो मैं अगर सिंपल भाषा में बोलूं, प्लानिंग जो होता है मेंटल एक्सरसाइज होता है, जो माइंड में सारी बातें आती है ना, वो आपकी प्लानिंग होती है। और जब उसको इंप्लीमेंट करने का टाइम आता है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स, बर्थडे बनाना है जी, मुझे अपना बर्थडे बनाना है, इतने फ्रेंड्स बुलाने हैं, यहाँ लेके जाऊंगा, ये सब प्लानिंग है। और जब बारी आती है बर्थडे का टाइम आता है, व्हेन यू एग्जीक्यूट द प्लान इन प्रैक्टिकल लाइफ, देन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजिंग। तो बच्चों ऑर्गेनाइजिंग से कुछ वर्ड्स आप रिकॉल कर सकते हो माइंड में हमेशा के लिए। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स व्हाट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। प्लान्स को जो है आप एक कागज पे मैपिंग कर रहे हो, एक स्ट्रक्चरिंग कर रहे हो, अरेंज कर रहे हो, सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ऑल दीज थिंग्स कम अंडर ऑर्गेनाइजिंग। एनसीईआरटी में बच्चों देयर आर 4-5 डेफिनेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, और हर डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं एनसीईआरटी में, सारे डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, कोई स्केप मत करिएगा, क्योंकि वो एज इट इज डेफिनेशन केस स्टडीज का पार्ट होती है। यदि आपको डेफिनेशन में कंफ्यूजन होगा, प्रॉपर आपके माइंड में नहीं होगी, तो आप केस स्टडीज को प्रॉपरली आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाओगे। तो एक डेफिनेशन आपके सामने है बच्चों, ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस दैट इनिशिएट इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, कि आपने अपनी सोच को हकीकत में बदला, इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। नंबर टू ऑर्गेनाइजिंग के अंदर बात आ रही है क्लैरिफाइंग द जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप, effectively deploying the resources for attainment of identified and desired results। तो ये organizing की definition आ रही है, थोड़ी सी technical है, but अगर आप organizing का process समझ लेते हो, तो organizing के process में 4 steps है, वो चारों के चारों steps को उन्होंने इस definition में cover किया हुआ है, उसके अलावा कोई भी बात नहीं करी हुई है। This is what organizing। There are 3 more definitions of organizing। In simplest form, it is a means for translating the plans into action। आपकी सोच को आप एक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो, जैसे मूवी में होता है ना, डायरेक्टर, डायरेक्टर क्या बोलता है, जब आपको याद होगा, जब कोई हीरो हीरोइन स्क्रीन मूवी का जो कोई सीन शूट कर रहे होते हैं, तो डायरेक्टर क्या बोलता है, एक्शन। तो जब एक्शन की बात आती है, सोच हकीकत में बदल रही होती है, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इंक्लूड डिजाइनिंग ऑफ रोल्स, रोल का डिजाइन करना, क्या किसका क्या काम होगा, क्या डेजिग्नेशन होगा, क्या पोस्ट होगा, इंटर रिलेशनशिप को डिस्कस करना, कौन किसका बॉस होगा, कौन किसका सुपीरियर होगा, ऑब्जेक्टिव एम्बिग्युटी नहीं हो, ओवरलैपिंग ऑफ रिसोर्सेज ना हो, इन सब बातों को ध्यान में रख के ये थर्ड डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग आपसे डिस्कस कर रहे हैं।
नेक्स्ट है बच्चों ऑर्गेनाइजिंग, द लास्ट डेफिनेशन जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये मुझे सबसे बेस्ट डेफिनेशन लगती है एनसीईआरटी की बुक में, क्योंकि इसमें ऑर्गेनाइजिंग का एग्जैक्ट मीनिंग आ रहा है और बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहा है, इजी टू लर्न, जो मुझे ऐसा लगता है। ऑर्गेनाइजिंग एसेंशियली इंप्लाइज अ प्रोसेस विच कोऑर्डिनेट्स द ह्यूमन एफर्ट्स, असेंबल द रिसोर्सेज, इंटीग्रेट बोथ इनटू अ यूनिफाइड होल टू बी यूटिलाइज्ड फॉर अचीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या आ रहा है, एक प्रोसेस है। आपको पता है मैनेजमेंट फर्स्ट चैप्टर, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उनके भी इंडिविजुअल प्रोसेस है। तो हर प्रोसेस के साथ हमें कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। तो आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन इज अ सेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो व्हेनेवर यू पीपल आर गोइंग टू राइट द डेफिनेशन ऑफ एनी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजमेंट, डेफिनेटली आपको जो अपने डेफिनेशन है उसमें कोऑर्डिनेशन वर्ड को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज कोऑर्डिनेटेड होती है। अगर थॉरली बताऊं, टाइम का मैनेजमेंट भी देखना है। वैसे देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स, एक होता है बच्चों कोऑपरेशन और एक वर्ड होता है कोऑर्डिनेशन। मैं बच्चों को सिंपलेस्ट फॉर्म में बोलता हूँ, जो कोऑर्डिनेशन होता है ना, जेस्टर्स करके बता रहा हूँ, देखिएगा, बोलूंगा अभी। कोऑर्डिनेशन जो है आपका यहाँ से आता है, दिमाग से आता है, माइंड से आता है, और जो कोऑपरेशन होता है बाय हार्ट आता है। ये फर्क होता है। तो जो काम दिल से किया जाता है वो कोऑपरेशन है, और जो दिमाग से करना पड़ता है, इसमें विलिंगनेस नहीं होती, यू हैव टू डू, वो कोऑर्डिनेशन होता है। तो जब ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है, वी हैव टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स, और उसके लिए हमें अपने सारे एफर्ट्स को, सारे फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। तो व्हेनेवर वी आर गोइंग टू राइट द डेफिनेशन ऑफ एनी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यू नीड टू राइट द वर्ड कोऑर्डिनेशन। कहीं ना कहीं आप उसको यूज करिए, आपको हेल्प करेगा टू गेट गुड स्कोर्स इन द बोर्ड एग्जाम। तो फाइनली ऑर्गेनाइजिंग एसेंशियली इंप्लाइज अ प्रोसेस विच कोऑर्डिनेट्स ह्यूमन एफर्ट्स, असेंबल रिसोर्सेज, नंबर वन कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स, नंबर टू असेंबल द रिसोर्सेज, एंड नंबर थ्री इंटीग्रेशन ऑफ बोथ मैन पावर एंड मटीरियल पावर। एक चीज और बच्चों आपको बताता हूँ, बहुत शॉर्ट स्पैन में बताऊंगा, सुनिएगा ढंग से। देखिए हायर क्लासेस में जब आप लोग जाओगे ना, थ्योरी होती है, दैट इज 3M थ्योरी, यू कैन कॉल इट M3, M3 और 3M, और इसके अलावा अदर थ्योरीज भी होती है, 4M थ्योरी, 5M थ्योरी। यहाँ 3M का क्या मीनिंग है, 3M, M प्लस M प्लस M, the फर्स्ट M denotes to मैन पावर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपना काम करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, मैन पावर। फिर सेकेंडली मटीरियल पावर, एंड द थर्ड वन इज सर्टेनली यू पीपल कैन ईजिली रिकॉग्नाइज, जिसके बिना तो कुछ चलता ही नहीं है बच्चों, दैट इज वॉट, मनी पावर। तो मैन पावर, मटीरियल पावर एंड मनी पावर, ये सब चाहिए, और इनके बीच में कोऑर्डिनेशन चाहिए, इंटीग्रेशन चाहिए, और टारगेट एक ही है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, क्या, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर। तो जब अपनी सोच को हकीकत में बदलते हो, सारे रिसोर्सेज को इंटीग्रेट करते हो, देन वी टॉक अबाउट व्हाट, ऑर्गेनाइजिंग। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। नाउ अनदर टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये मैं आपसे टॉपिक इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि जिससे कि थोड़ा चैप्टर में आपको इंटरेस्ट आ जाए बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस, और आपको फैटीक फील ना हो, और इंटरेस्ट आएगा तो इजी टू अटेम्प्ट भी होगा, क्वेश्चन भी समझ में आएंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन। अगर प्रोसेस किसी का सबसे ज्यादा बोर्ड में आया हुआ है बच्चों, तो वो इस टॉपिक का आया हुआ है, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। और उसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है बच्चों, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि ये जो इसके जो प्रोसेस के जो स्टेप्स है, वो देयर ओनली 4 स्टेप्स, ओनली 4 स्टेप्स आर देयर, और ये क्वेश्चन बहुत सुटेबल क्वेश्चन में होता है। मान लो एक स्टेप आपको बोर्ड के पेपर में दे दिया, और वो बोलेंगे आइडेंटिफाई द रिमेनिंग 3 स्टेप्स ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई दैट फंक्शन एंड ऑल्सो राइट और स्टेट द 3 functions, 3 other steps बियॉन्ड दैट स्टेप। या फिर आजकल बोर्ड में ऐसे अगर आप ट्रेंड देखिए, लास्ट 10 to 15 years का, नॉट 10 to 15 years, 2015 onwards, क्योंकि केस स्टडीज आना जो स्टार्ट हुई है बोर्ड के एग्जाम में 2015 onwards ही हुई है। उससे पहले बहुत रेयरेस्ट केस में केस स्टडीज आती थी बोर्ड के पेपर में। तो आजकल क्या होता है, आपको कोई फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट स्टेप नहीं देते किसी फंक्शन का, ना कोई लास्ट स्टेप देते हैं, वो आपको इन बिटवीन सेंटर में दे देते हैं। सपोज देयर 5 स्टेप्स, हो सकता है आपको 3rd स्टेप दे दे, और वो क्वेश्चन पेपर सेटर क्या बोलेंगे, पहले आप फंक्शन को आइडेंटिफाई करिए, फिर उसका प्रोसेस में उसके पहले वाले 2 स्टेप बताइए, एंड देयर आफ्टर जो उसके फॉलोइंग 2 स्टेप्स है वो भी बताइए। तो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया, और ऐसा बोर्ड में पहले आया भी है। या फिर पहले वाला एक बताइए, बाद वाला एक बताइए, डायरेक्टली क्वेश्चन ना पूछ के उन्होंने आपको ट्रैप कर दिया कि दिस इज अ पॉइंट, दिस इज अ स्टेप, इससे पहले वाला प्रीसीडिंग स्टेप बताइए और फॉलो अप स्टेप बताइए।
तो इस तरह के क्वेश्चन ऑटोमेटिकली डिफिकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि आइडेंटिफाई भी करना है कॉन्सेप्ट और प्लस में स्टेप्स को भी रिकॉग्नाइज करना है, पहले वाला एंड बाद में, इमीडिएटली बिफोर एंड इमीडिएटली आफ्टर। नाउ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, अगर आप लोग इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो तो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट की बनाई हुई है, द की टर्म इज आइडिया। आइडिया से अगर आपको याद हो, एक वन ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन कंपनी हुआ करती थी जो वोडाफोन ने एक्वायर कर ली, और वोडाफोन वोडाफोन नहीं रहा, वी आई ट्रांसफॉर्म हो गया है, वी फॉर वोडाफोन, आई फॉर आइडिया। वही आइडिया आपको यहाँ काम आएगा। आइडिया की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों? आइडिया की स्पेलिंग आई डी ई ए। तो यही चार लेटर है जो आपको ऑर्गेनाइजिंग का पूरा स्टेप बना देंगे। बस एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि जो स्पेलिंग को जो हम राइट डाउन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्स, तो ये जो ई है लास्ट में आ जाएगा और जो ए है उससे पहले आ जाएगा। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप बनेगा वो बनेगा बच्चों आई, आई फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क एंड डिविजन ऑफ वर्क, आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क। देन डी, डी फॉर डिपार्टमेंटलाइजेशन। ई, ई बाद में आएगा, ए पहले आएगा, याद रखिएगा। स्लिप ऑफ टन भी नहीं होना चाहिए जैसे मैंने करके दिखाया, याद रखिएगा ए पहले आएगा ई। लर्निंग के लिए आइडिया याद कर लो, बट जब ऑर्डर की बात आएगी आई डी ए ई, ए असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड ई एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो ये सारे स्टेप्स आपको पता होंगे, आपने पहले पढ़ भी रखे होंगे बच्चों। तो थोड़ा सा इसको हम रिव्यू कर लेते हैं बहुत शॉर्ट स्पैन के अंदर। आइडेंटिफिकेशन और डिविजन ऑफ वर्क का क्या मीनिंग है, ये पता लगाना काम क्या है। अभी तक तो सोच थी, केवल मेंटल एक्सरसाइज थी, वी नीड टू डिस्कस, वी नीड टू थिंक कि भाई व्हाट टू डू, क्या ये काम है, और ये काम को करने के लिए हाउ मेनी एक्टिविटीज आर टू बी परफॉर्म बाय द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज नथिंग बट आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क। नेक्स्ट वन इज डिपार्टमेंटलाइजेशन, कि काम बहुत सारा है, एक आदमी सारा काम नहीं कर सकता, वी हैव टू ग्रुप देम, ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ सिमिलर नेचर, कि ये कॉमन नेचर की एक्टिविटीज है इनको एक ग्रुप में डाल दो, फिर दूसरे ग्रुप में, फिर तीसरे ग्रुप में, लाइक दैट, और उससे डिपार्टमेंटलाइजेशन हो जाएंगे, डिपार्टमेंट्स बन जाएंगे, आपके फंक्शंस डिवाइड हो जाएंगे। परचेज डिपार्टमेंट का काम क्या है, परचेजिंग डिपार्टमेंट का, परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, जो भी आपको खरीदना है परचेजिंग डिपार्टमेंट करेगा। सेल्स डिपार्टमेंट का क्या काम होता है बच्चों, जो भी प्रोडक्ट बनाए उसका ग्रेडिंग करके उसको सेल करना है। आरएनडी डिपार्टमेंट का क्या काम होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सिमिलरली फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अरेंज करना। तो इस तरह डिपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता है, हम ग्रुपिंग कर देते हैं। तो ये भी एक जो प्रोसेस का पार्ट है, सेकंड पार्ट, सेकंड स्टेप, डिपार्टमेंटलाइजेशन। दिस इज ऑल्सो द क्वेश्चन जो बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन आया 1 मार्क का। आपको सिंपल केस दे देंगे, उसमें ग्रुपिंग वर्ड दिया होगा, ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ सिमिलर नेचर, और उसका आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा बच्चों डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो याद रखिएगा, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है। थर्ड है आपका असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, कि आपने डेजिग्नेशन बनाना है, डिपार्टमेंट बन गए, डिपार्टमेंट में कितने मैन पर्सनल होंगे, किसका क्या ड्यूटी होगा, क्या काम देना पड़ेगा, क्या पोस्ट होगा, दैट इज कम अंडर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। एंड द लास्ट वन, एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कि तुम्हारा सुपीरियर कौन है, तुम्हारा सबॉर्डिनेट कौन है, to whom you are accountable, to whom you are answerable, to whom you have to follow the instruction, from whom you will be getting the instruction, and to whom you can give the instruction. तुम्हारे नीचे कौन है, तुम्हारे ऊपर कौन है, जो चेन ऑफ हायरार्की होती है, स्केलर चेन, तो तुम्हारा बॉस कौन है, तुम्हारा सबॉर्डिनेट कौन है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। क्योंकि ऑर्डर अगर दो चार लोग आपको देंगे, आपने पढ़ा है डुअल सबॉर्डिनेशन, वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, अगर डुअल सबॉर्डिनेशन होगा तो यूनिटी ऑफ कमांड वायलेट हो जाएगा। तो ये यूनिटी ऑफ कमांड को मेंटेन करने में भी ये हेल्प कर रहा है, दैट इज एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिलेशनशिप। तो बच्चों ये दो टॉपिक मैंने आपसे कवर डिस्कस किया, रीजन ये पूरे चैप्टर की एक तरह से सोल है, आत्मा है, तो ये आपको माइंड में होने चाहिए, क्योंकि इसके बिना तो बोर्ड का पेपर बनता ही नहीं है। 1 मार्क क्वेश्चन हो या 3 मार्क्स से 6 मार्क्स, एक क्वेश्चन तो इसमें पक्का आ जाता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसको डिस्कस किया टच करने के लिए, कि चैप्टर एक रिकैप्चुलेशन में आपके नॉलेज में आ जाए बिफोर डिस्कसिंग द क्वेश्चंस। नाउ वी कम ऑन द क्वेश्चन पार्ट। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चनिंग, टाइपोलॉजी ऑफ द क्वेश्चंस कवर्ड, क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड के पेपर में कवर होते हैं। अब खाली बोर्ड के पेपर की बात भी नहीं करनी है बच्चों, बोर्ड के पेपर तो आपको पता है 31 मार्च को आप फ्री हो जाओगे, द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि 31 मार्च को अकाउंट्स का पेपर है और 31 मार्च को ही आपके ऑलमोस्ट कॉमर्स वालों के बच्चों के एग्जाम वाइंड अप हो रहे हैं। और पर क्या उसके बाद आप रिलैक्स हो जाओगे, नहीं, मिशन 2 भी आपका स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, दैट इज सीयूटी।
जो शायद आज के टाइम में बोर्ड से भी ज्यादा फोकस्ड है, क्योंकि एडमिशन लेने के लिए अच्छे कॉलेजेस में, स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटीज में, गुड यूनिवर्सिटीज में आपको सीयूटी का एक बहुत अच्छा स्कोर करना कंपलसरी है। तो हमारा जो लक्ष्य का जो ये क्लासरूम जो लेने का पैटर्न है, जो मॉड्यूल है पीपीटी बेस्ड, जो हम आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट कि हमने सीबीएसई बोर्ड को भी कवर किया है और प्लस में साथ साथ हमने क्लास जो आपका सीयूटी का जो पैटर्न है उसको भी फॉलो किया है। तो विद इन दीज बोथ कॉन्सेप्ट्स, इनको ध्यान में रखिए, मैंने इंटीग्रेटेड जो है अपनी पीपीटीज को डेवलप किया है, उसमें ये सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस, चार ऑप्शन होते हैं, एक आपको चूज करना है। पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन बहुत ईजी है, पिक्चर दे रख के बताना है कि वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, कि किस चीज को बिलोंग करता है। सिक्वेंस के अंदर आपको डिस्टर्ब्ड ऑर्डर दिया होता है, मान लो कोई प्रोसेस दे दिया, अभी ऑर्गेनाइजिंग हमने डिस्कस किया, तो चार स्टेप्स है, स्टेप्स को डिसऑर्डर में दे दिया, आपको ऑर्डरली अरेंज करना है। फैक्ट बेस्ड है, आपको तीन चार स्टेटमेंट दे दी, बताना है कौन सा करेक्ट है या कौन सा करेक्ट नहीं है। मैचिंग बेस्ड है, चार ऑप्शन ए पार्ट में दे दिए, चार ऑप्शन बी पार्ट में दे दिए, आपको मैचअप करना है। मैचिंग के अंदर आपको मल्टीपल डिसिप्लिनरी क्वेश्चन भी मिल सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हालांकि कम है, मतलब दो तीन चैप्टर का इंटीग्रेशन, बट ऐसा पॉसिबल है क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर पूरा सिलेबस आ जाता है जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इनडायरेक्टली। नेक्स्ट है बच्चों असर्शन बेस्ड, हालांकि जो हमारा लेटेस्ट सैंपल पेपर है उसमें इवन अ सिंगल क्वेश्चन असर्शन बेस्ड नहीं है, बट अगर आप बच्चों ऑब्जर्व करो लास्ट 4-5 years के पेपर्स, उसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आए हुए हैं, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू, और ऑप्शंस क्या होते हैं, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और बोथ द स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। तो ये जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं ये असर्शन बेस्ड क्वेश्चन से फर्स्ट स्टेप पहले वाला होता है। स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट गिवन है, उनके बीच में लिंकअप जरूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम हो सकता है पर लिंकअप जरूरी नहीं है। पर जब असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो दोनों स्टेटमेंट के अंदर लिंकअप होता है, एक कॉज होता है और एक उसका कॉन्सिक्वेंस होता है, तो इतना ही फर्क होता है। इसलिए सेफर साइड के लिए मैंने यहाँ पर एक दो क्वेश्चन असर्शन बेस्ड भी लिए, केवल आपका नॉलेज का अपग्रेडेशन करने के लिए। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप 3-4 marks क्वेश्चन, जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है, एंड द लास्ट वन इज लॉन्ग टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन 6 marks क्वेश्चन। थोड़े था 3-4 साल पहले तक बीएसटी में 5 marks के भी क्वेश्चन आते थे, पर 5 marks वाला क्राइटेरिया हट गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड 6 marks का है। तो 6 marks का मतलब नियरेस्ट, अभी आपको वर्ड लिमिट भी बता देते हैं। अब इसमें एक चीज जो मैंने बच्चों अगर आप देखोगे हाईलाइट करके, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ये 21 का शगुन इंग्लिश, 21 का शगुन, भाई पुराने जमाने में जब शादी में जाते थे ना एनवेलप 21 रुपए का ही चलता था, 11 का शगुन 21 का शगुन, तो मैं भी शायद आपको आज एक शगुन देने की कोशिश कर रहा हूँ और वो 21 का शगुन है, और ये 21 क्या है, ये रुपीज नहीं है बच्चों, दीज आर द 21 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइपोलॉजीज ऑफ क्वेश्चंस कवर्ड। तो ये 21 का शगुन मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये सोच के पॉजिटिव वाइज में कि आपके ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर अगर 8 marks का आता है तो आप 8 out of 8 स्कोर कर पाओ। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, जो पहले फर्स्ट 15 क्वेश्चंस है आउट ऑफ दीज 21 क्वेश्चंस, दे बिलोंग टू 1 mark कवरिंग ऑलमोस्ट दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। 16-19 4 questions belongs to 3-4 marks and 20-21 that belongs to 6 marks question। अब ये आपको limits बताई हुई है बच्चों, 1 mark का question है, objective type है तो कुछ लिखना ही नहीं, केवल marking करनी है, और अगर subjective आता है तो 1 word answer हो सकता है, 1 sentence statement based question हो सकता है। 3 marks का question है 70-75 words के आसपास लिखना है, 2, 5, 3, 4 words अगर ज्यादा हो जाए कम हो जाए तो कोई टेंशन मत लेना, हाइपर होने की जरूरत नहीं है, ये एक एवरेज लिमिट है, थोड़ा सा इसमें आपकी डेविएशन चल सकता है, डोंट वरी। 4 marks का है तो 150 है और 6 marks का है तो बच्चों 200 है। एक चीज और आपको बता देता हूँ बच्चों कि जो लेटेस्ट सीबीएसई का सैंपल पेपर है, इस जो सैंपल पेपर आपके पास अवेलेबल है, इसका मतलब ये नहीं कि एज इट इज बोर्ड का पेपर वो तो सैंपल पेपर वाला आ जाएगा, वही पैटर्न फॉलो अप हो जाएगा, वो केवल एक क्राइटेरिया है बच्चों को अपडेट करने के लिए। पर अगर आप पास पेपर्स को ऑब्जर्व करेंगे, ऐसा भी देखने को मिला है कि बोर्ड का सैंपल पेपर केवल आपको हेल्प करता है पर जो एक्चुअल पेपर आता है उससे 30-40% डिफर करता है, तो आप उस स्ट्रेटेजी को भी फॉलो अप करके जाना अगर आपको 100 out of 100 स्कोर करना है। तो सैंपल पेपर आपको हेल्प करेंगे पर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है बोर्ड के पेपर का, तो वो हेल्पिंग एड है ना कि एक ऑल्टरनेटिव ऑफ बोर्ड एग्जाम है, तो प्लान ए प्लान बी को भी फॉलो अप करना जरूरी होता है। नाउ वी कम ऑन द क्वेश्चन, that is first question, so we are going to discuss bachcho how many questions, 21 questions, so jo question ka aapko answer aata ho to aap chat box mein hame bata sakte ho, we will be happy ki bhai aap log jo hai bahut attentive ho aur two way interaction hamara follow up ho raha hai,
अनदर थिंग, कोई प्रॉब्लम आती है वो भी आप हमें चैट में टेक्स्ट कर सकते हैं, हम आपको बहुत जल्दी उस प्रॉब्लम का भी ओवरकम करेंगे बाय डिस्कसिंग दैट प्रॉब्लम. ओके, नाउ वी कम ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज ए, अ फर्म हैज डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज एंड ऑपरेशंस रिक्वायरिंग द हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विल यू सजेस्ट फॉर. बच्चों जैसा कि मैंने बोला फर्स्ट 15 क्वेश्चन वन मार्क क्वेश्चन है, तो ये वन मार्क का क्वेश्चन है, एमसीक्यूज बेस्ड है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ऑप्शन हटा दो, आपको केवल लिखना है बताना है, तो ये वन मार्क का क्वेश्चन डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो जाएगा वन वर्ड आंसर में. ये उन्होंने एमसीक्यूज बेस्ड दे दिया, तो इसमें अगर आप चाहो तो फैक्ट बेस्ड भी बना सकते हैं, यहाँ पे पहले वो कॉन्सेप्ट यूज कर ले चाहे वो सही हो या गलत हो, और आपको ये बताना हो कि स्टेटमेंट ट्रू है या स्टेटमेंट फॉल्स है. अब इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है बच्चों, जो मुझे समझ में आता है बीइंग अ टीचर, यहाँ पे एक टर्म यूज हो रही है बच्चों, जस्ट अ मिनट, सॉरी. नाउ इसमें बच्चों एक टर्मलॉजी यूज हो रही है, और वो टर्मलॉजी का नाम है डाइवर्सिफाइड. यहाँ पे एक टर्मलॉजी यूज हो रही है डाइवर्सिफाइड, ये डाइवर्सिफाइड का मीनिंग समझ में आना चाहिए. अब डाइवर्सिफाइड का क्या मीनिंग होता है, डाइवर्सिफिकेशन, और डाइवर्सिफिकेशन से बच्चे ना बहुत जल्दी इकोनॉमिक्स में चले जाते हैं, और इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर है आपका रूरल डेवलपमेंट, और वहां पे डिस्कस किया हुआ है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, और वहां पे डाइवर्सिफिकेशन का मीनिंग क्या है कि भाई फार्मर है, खेती बाड़ी करता है, अब वो उसके साथ एनिमल हस्बेंड्री का काम कर रहा है, डेयरी फार्मिंग का काम कर रहा है, हॉर्टिकल्चर का काम कर रहा है, तो उसने अलग अलग प्रोडक्ट को स्टार्ट कर दिया है प्रोड्यूस करना, बिसाइड्स बीइंग अ फार्मर प्रोड्यूसिंग फार्मिंग गुड्स. तो ये चीज समझकर बच्चे इसका आंसर पता है क्या लिख कर आते हैं, बच्चे इसका आंसर लिख कर आते हैं ऑप्शन डी, दैट इज डिविजनल स्ट्रक्चर, कि डी फॉर डाइवर्सिफिकेशन, डी फॉर डिविजनल स्ट्रक्चर. और काफी बच्चे ट्रैप हो जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है. और अगर आप लोग एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे तो वहां आपको दिया हुआ है स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर. पहले उनका मीनिंग दिया हुआ है, फिर मेरिट, फिर डिमेरिट, और लास्ट में सुटेबिलिटी दी हुई है. वो जो सुटेबिलिटी वाले 3-4 लाइंस का जो पैराग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, जो आप बच्चों को लुक आफ्टर करना है, उसे आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि वो आपकी बहुत काम की चीज है. और एज इट इज केस स्टडीज में वो कॉपी होती है, और वहीं से क्वेश्चन लिया गया है बच्चों, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने बनाया भी नहीं ऑनेस्टली स्पीकिंग, और वहीं से लिया गया है, जो आपको एनसीईआरटी के, मैंने इसलिए बोला था कि एनसीईआरटी कौन है हमारे लिए, भगवत गीता जी, अगर उसके बारे में आपको नॉलेज है तो कोई आपको नहीं हरा सकता. आप कृष्ण जी वाला काम करोगे, लॉर्ड कृष्णा, तो अगर आपको भगवान कृष्ण बनना है तो भगवत गीता का ज्ञान होना जरूरी है. तो यहाँ पर जो आंसर आएगा बच्चों आपका डिविजनल स्ट्रक्चर नहीं आएगा, यहाँ पर जो आंसर आएगा फंक्शनल स्ट्रक्चर आएगा. और यह डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट नहीं बोला है, यह डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज बोला है. अगर आप ऑब्जर्व करें व्हाट दे हैव टॉक्ड अबाउट, डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज, डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज. जब एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होती है तो बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, और उन एक्टिविटीज को हमें क्या करना पड़ता है, ग्रुपिंग करना पड़ता है इंटू सिमिलर नेचर ऑफ एक्टिविटीज. ग्रुप वन दे आर कैरिंग सिमिलर नेचर ऑफ एक्टिविटीज, ग्रुप टू कैरिंग सिमिलर नेचर ऑफ एक्टिविटीज. ग्रुप वन की जो एक्टिविटी है ग्रुप टू की एक्टिविटी से वेरी करती है, इसलिए दे आर कॉल्ड डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज. और अगर आप उनको एक ही नेचर की एक्टिविटीज को स्पेशलाइज करते हो, डिपार्टमेंटलाइज करते हो, और फंक्शन के बेस पे उसको क्लासीफाई करते हो, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर. तो याद रखना बच्चों, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट नहीं है, डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज है. और एक और वर्ड बड़ा काम का है यहाँ पे कॉन्सेप्ट, दैट इज स्पेशलाइजेशन. स्पेशलाइजेशन वर्ड जहाँ आ जाए याद रखिएगा 99.9% आंसर आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर है. तो कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो स्पेशलाइजेशन को फोकस कर रहा है, डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कर रहा है, दैट कंप्लीट इज व्हाट, फंक्शनल स्ट्रक्चर. इसलिए आपका जो आंसर है दैट इज सी, फंक्शनल स्ट्रक्चर. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. नाउ द सेकेंड इज, सेकेंड क्वेश्चन इज वेरी इजी. अब आप ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर पढ़ रहे हो तो ये बड़ा आसान है अटेम्प्ट करना, आंसर क्या होगा, ऑर्गेनाइजिंग. बट बोर्ड में कोई चैप्टर वाइज थोड़ी क्लासिफिकेशन आता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको सोचना पड़ेगा. और सोचने के लिए यहाँ पर क्या टर्मोलॉजी, ग्रुपिंग. ये जो ग्रुपिंग वर्ड है, टर्मोलॉजी दो जगह यूज होती है, या तो ग्रुपिंग का रिलेशन होगा डिपार्टमेंटलाइजेशन से, आंसर होगा डिपार्टमेंटलाइजेशन. वहां लिखा होगा कि आइडेंटिफाई वन ऑफ द स्टेप ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट. तो अगर ग्रुपिंग वर्ड आ गया और वन ऑफ द स्टेप ऑफ वन ऑफ द फंक्शन आ गया, किसका, मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट का कोई एक फंक्शन मतलब ऑर्गेनाइजिंग, उसका एक स्टेप, सेकंड स्टेप आईडिया, डी, डी फॉर डिपार्टमेंटलाइजेशन. तो वो क्वेश्चन बन गया डिपार्टमेंटलाइजेशन का, और वो क्वेश्चन भी आगे आप देखेंगे हमारी इन्हीं क्वेश्चंस में एक आएगा. फिलहाल यहां पर उन्होंने क्या पूछा है, स्टेप नहीं पूछा है, उन्होंने बोला आइडेंटिफाई
grouping similar nature of jobs into larger units is a step in the process of one of the function of management. Identify the function of management. Function को identify करना है, step को identify नहीं करना. तो फिर इसका मतलब है आपको आंसर क्या आएगा, ऑर्गेनाइजिंग. दैट इज जो स्टेटमेंट है दैट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन और फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग. तो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा स्टेप पूछा है या फंक्शन पूछा है. तो ऑप्शन में ऑर्गेनाइजिंग भी दे सकते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन भी दे सकते हैं. तो ऑब्जर्व करना व्हाट दे हैव आस्क्ड. ठीक है, कोई डाउट है? चलिए आगे चलते हैं. द आंसर इज ऑर्गेनाइजिंग. द थर्ड क्वेश्चन इज दैट एंश्योर्स दैट subordinate performs task on behalf of the manager thereby reducing his workload and providing him with more time to concentrate on important matter. ab iska meaning kya hai bachcho, translate into hindi ki ye cheez ensure kar rahi hai. kya ensure kar rahi hai? ki subordinate ko kuch kaam diya jaye jisse main jo superior hu, suppose I am the superior, aur main jo superior hu mera burden kam ho jaye. kyunki mere pe agar maan lo 10 activities to be performed thi तो उनमें से चार एक्टिविटीज थी जो मुझे लगता है मेरा सबॉर्डिनेट कर सकता है. तो मैंने वो चार एक्टिविटीज अपने सबॉर्डिनेट को दे दी, वो भी खाली बैठा है. और अपनी कहावत है हिंदी भाषा में, खाली दिमाग शैतान का घर. तो एक सुपीरियर क्या चाहता है, अपने सबॉर्डिनेट्स को टू कीप देम बिजी. और बिजी रखने का मतलब ये नहीं है उनका वो एक्सप्लोटेशन कर रहा है, एक्सप्लोटेशन नहीं होता, वो उनका यूटिलाइजेशन होता है. और जब तक सबॉर्डिनेट्स नई नई चीजें नहीं सीखेंगे उनका स्किल्स एम्पावरमेंट नहीं होगा. अगर वो स्किल एम्पावरमेंट नहीं करेंगे तो वो फ्यूचरिस्टिक मैनेजर नहीं बन सकते. तो एक अच्छा मैनेजर वो होता है, एक अच्छा सुपीरियर वो होता है जो अपने सबॉर्डिनेट के साथ अपना काम शेयर करता है, इनिशिएटिव देता है. प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, वन ऑफ द प्रिंसिपल 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल. तो ये इनिशिएटिव से लिंकअप है. तो ये बात कहां आ रही है, पहला ऑप्शन है डिसेंट्रलाइजेशन, दूसरा ऑप्शन है अकाउंटेबिलिटी, थर्ड ऑप्शन इज अथॉरिटी, एंड द लास्ट ऑप्शन है डेलीगेशन. अब अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो दो कॉन्सेप्ट समझने जरूरी है यहाँ पर, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन. डेलीगेशन किस में आता है बच्चों, डेलीगेशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन अ सुपीरियर एंड अ सबॉर्डिनेट. कि मैं सुपीरियर हूं और मान लो आप सबॉर्डिनेट हो, तो मैंने अपना काम आपको शेयर कर दिया कि लो जी आप काम करके दिखाओ. सपोज आपका नेम है राहुल, तो राहुल को मैं कह रहा हूं राहुल प्लीज डू दिस वर्क, नाउ आई एम असाइनिंग द वर्क टू यू. आपके पास अथॉरिटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, आप ये काम करके दिखाओ. पर काम में वो दूंगा जो आप कर सकते हो, काम में वो नहीं दूंगा जो आप नहीं कर सकते. और जो काम मैं ही कर सकता हूं आपको करने में रिस्क है, या शायद आपका एक्सपीरियंस उतना नहीं है, वो काम मैं कभी आपके साथ शेयर नहीं करूंगा. ये जो 1-to-1 रिलेशनशिप वाला प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन. अब बच्चों मजे की बात है, क्या हुआ अभी रिसेंटली बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया जिसमें एग्जाम्पल था कि मिस्टर एक्स से सुपीरियर है और उनके दो सबॉर्डिनेट हैं, सबॉर्डिनेट ए सबॉर्डिनेट बी. तो एक्स ने अपना काम ए को भी दिया और बी को भी दिया. तो जनरली क्लासरूम टीचिंग में बच्चे जो सुनते थे कि सर ने बोला था, मैम ने बोला था कि डेलीगेशन जो होता है 1-to-1 रिलेशनशिप में होता है. तो ये तो एक बंदे ने दो लोगों को काम दिया है तो डेलीगेशन तो नहीं होगा, चलो मैं डिसेंट्रलाइजेशन लिख देता हूँ. और मैनी स्टूडेंट हैव अटेम्प्टेड डिसेंट्रलाइजेशन और उस वजह से गलत हो गया, क्योंकि उन्होंने डेलीगेशन का इंटरप्रिटेशन निकालने की कोशिश करी पार्शियल अप्लाइंग द माइंड, पर डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो अप नहीं किया. तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक होता है सेंट्रलाइजेशन और एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन. डी फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, डी फॉर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर. जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट का फेडरल स्ट्रक्चर है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, स्टेट के पास अपनी पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी पावर है, सबको पावर डिस्ट्रीब्यूट है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट है, पूरा फेडरल स्ट्रक्चर है. और एक नॉर्थ कोरिया है इसमें सारी पावर वहां के प्रेसिडेंट के पास है, वो सेंट्रलाइज्ड है. तो जब टॉप लेवल से लेकर ऑपरेशनल लेवल तक सारा काम बटा होता है, सारी पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, डिसीजन मेकिंग डिवाइड होती है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरऑल थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूट की होती है, उसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन. और यदि एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को और सबॉर्डिनेट्स को काम दे रहा है तो बच्चों वो होता है डेलीगेशन. तो यहाँ पर जो आंसर आएगा आपका बच्चों, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आएगा, ना कि डिसेंट्रलाइजेशन. रही बात अकाउंटेबिलिटी की, अकाउंटेबिलिटी का मतलब आंसरेबिलिटी, अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब पावर. तो यहाँ पे एंश्योर क्या कर रहा है, अथॉरिटी अकाउंटेबिलिटी दे कम अंडर वर्क, दे कम अंडर डेलीगेशन. तो यहाँ पे खाली अगर बात की होती कि बंदे ने अपना किसी काम को करने के लिए उनको पावर दी है, उनको अथॉरिटी दी है, तो आंसर आता है अथॉरिटी. या फलाना आदमी उस चीज के लिए आंसरेबल है, ही नीड टू आंसर. जैसे इंडिया में जब आपने देखा कोविड 19 के टाइम
जब बहुत सारी कैजुअलिटीज हो रही थी इन द सेकेंड स्टेज, जब COVID-19 की सेकेंड वेव आई थी, तो आपने देखा होगा हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया था, डॉक्टर हर्षवर्धन, क्योंकि उस टाइम उनकी एंसरेबिलिटी थी बींग द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ द होल कंट्री कि वो ऑक्सीजन का मैनेजमेंट नहीं हो पाया, जो भी नहीं हो पाया, तो बींग मॉरली रिस्पॉन्सिबल उन्होंने रिजाइन कर दिया था. तो ही इज अनसरेबल. तो दिस इज वॉट अनसरेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी. दैट इज क्लियर बच्चों? तो फाइनली इसका आंसर जो आएगा क्या आएगा? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन. बहुत आसान है और ये भी क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार रिपीट हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन, वन मार्क क्वेश्चन. नेम द कॉन्सेप्ट. अब ये क्वेश्चन भी बीच के पैराग्राफ में से आया हुआ है एनसीईआरटी में से, हालांकि अब तो हाईलाइटेड है. एक टाइम होता था एनसीईआरटी में छुपा हुआ क्वेश्चन था, हिडन टॉपिक, जैसे अकाउंट्स में हिडन गुडविल होता है ना, तो इसे हम हिडन टॉपिक कहते थे, पर अब तो ये कॉमन है क्योंकि हाईलाइट कर रखा है सीबीएसई ने एनसीईआरटी में. नेम द कॉन्सेप्ट दैट रेफर्स टू नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय अ सुपीरियर, डिटरमाइन द नंबर ऑफ लेवल ऑफ द मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन. आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताना है जिसमें एक सुपीरियर कितने सबॉर्डिनेट को हैंडल कर सकता है, कैपेसिटी कि कितने लोगों को वो अपने अंडर कंट्रोल कर सकता है, दायरा, लिमिट, बाउंड्री. तो वो दैट इज कॉल्ड स्पैन, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. तो एज फॉर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, अभी इसी क्वेश्चन को आगे भी एक अलग फॉर्म में हम पढ़ेंगे, लेटर ऑन एक क्वेश्चन हो रहा है, यही आंसर होगा आपका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. वहां पर भी एक वर्ड यूज होगा, अभी नहीं बता रहा, नहीं तो उस क्वेश्चन का रेलेवेंस खत्म हो जाएगा. तो दैट इज व्हाट स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, द आंसर विल बी ऑप्शन बी. नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन बच्चों. ये क्वेश्चन बच्चों अगर आप देखोगे सिक्वेंस बेस्ड है, और ये क्वेश्चन मेरा कराने वाला है ही नहीं, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी करा चुका हूँ आपको आज की क्लास में, वेन वी हैव टॉक्ड अबाउट प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. और उसके लिए क्या बोला था मैंने, क्या लगाना है आपको? आइडिया. पर आइडिया लगाते टाइम वट यू पीपल नीड टू लुक आफ्टर, आई डी ए ई, आई डी ई ए नी, आई डी ए ई, ए पहले आएगा, ई बाद में. इसको आप ऑब्जर्व कर लो और ऑप्शंस में चेक कर लो, आपका आंसर आ जाएगा. और इसके अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है ऑप्शन सी. सी के अंदर आप ऑब्जर्व करो जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, आई देन डी देन ए एंड फाइनली ई. आई डी ए ई, आइडेंटिफिकेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड फाइनली एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. दिस इज द क्वेश्चन. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आजकल प्रोसेस वन मार्क्स में आते हैं, पहले डायरेक्ट क्वेश्चन में 3-4 मार्क्स में आते थे. अब सीबीएसई क्या कर रही है, जैसा मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है थ्रू एक्सपीरियंस, वो कई सारे प्रोसेस पूछ रही है. एक प्रोसेस को लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेगी, एक प्रोसेस को, 2-3 प्रोसेस को वन मार्क्स में पूछ लेगी कि इसका फिलाने का स्टेप बता दो या पूरे प्रोसेस को अरेंज कर दो. तो ये अगेन वन ऑफ द मोस्ट सुटेबल क्वेश्चन है क्योंकि इसमें 4 ही स्टेप्स है. तो वन मार्क में भी ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आ सकता है, सिक्वेंस बेस्ड, और सीयूटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो फाइनली द आंसर इज सी, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट एंड फोर्थ. नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, दिस इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बच्चों. इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बोला गया है, द फॉर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन. स्टेटमेंट वन, एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनेट विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. अब जब हम बात फॉर्मल इनफॉर्मल की करते हैं तो क्या मीनिंग है, व्हाट यू मीन बाय फॉर्मल और व्हाट यू मीन बाय इनफॉर्मल. फॉर्मल का मतलब क्या होता है बच्चों, कई बार सुनने में आता है स्कूल में, भाई हमारी एनुअल फंक्शन है और हमारा स्कूल का जो है, जो आपके लास्ट में फेयरवेल होती है क्लास 12th की, तो उसमें स्कूल में प्रिंसिपल्स मैम की इंस्ट्रक्शंस होती है क्लास टीचर्स की कि भाई फॉर्मल क्लोथ पहन के आने, फॉर्मल यूनिफॉर्म, फॉर्मल ड्रेस पहन के आनी है, इनफॉर्मल नहीं पहन के आनी. इनफॉर्मल का मतलब सुबह उठे वही अपने कैजुअल्स में थे, नाइट सूट में उठ के चले गए. जैसे मम्मी कई बार बोलती है सो के उठते नहीं है, मम्मी उठाती है, जा बेटा ब्रेड लिया, जा बेटा पोटैटो लिया, और वो इनफॉर्मल में ही चले जाते हो जैसी मर्जी हालत में. वो इनफॉर्मल है जी, जैसे मर्जी हालत में. और फॉर्मल सिस्टमेटिक सूट बूट, एक गाना था पुराने जमाने का, मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिश तानी, दैट इज व्हाट फॉर्मल स्ट्रक्चर. तो फॉर्मल स्ट्रक्चर का मतलब है रूल्स, फॉलो बाय द रूल्स, आपको रूल्स फॉलो करने. तो जब एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है, यू आर गोइंग टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, यू आर बाउंडेड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और जो रूल्स अगर आप अपने खुद बना रहे हो, खुद ही तोड़ रहे हो, खुद बना रहे हो, सेल्फ मेड रूल्स है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रूल्स है, कोई रूल्स ही नहीं है, कोई बॉस ही नहीं है, कोई सुपीरियर नहीं है, कोई सबॉर्डिनेट नहीं है, जैसे मर्जी चल रहा है, वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. तो सर्टेनली एक ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है बच्चों, एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल होती है, वहाँ रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, एंड वी बींग द एम्प्लॉई वी हैव टू फॉलो द रूल्स. नहीं करेंगे वी विल थ्रो आउट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को ही पूरा करने के लिए बैठी है,
यदि एम्प्लॉइज को रखा है उनसे काम कराना है। काम कराने का टारगेट क्या है? अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। पर क्या इसका मतलब है एक ऑर्गेनाइजेशन 100% फॉर्मल होती है? ये भी नहीं है, वहां इनफॉर्मल भी होता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और यू कैन से कि जहां फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है थोड़ा सा वहां इनफॉर्मैलिटी भी होती है। जैसे अगर मैं हिंदी भाषा में बोलूं, हमारे घर में जब मम्मी आटा गूंथती है, कभी आपने देखा हो तो उसमें थोड़ा सा सॉल्ट मिक्सअप करती है, इतना सारा व्हीट फ्लोर होता है और थोड़ा सा सॉल्ट होता है। ये जो व्हीट फ्लोर है ये फॉर्मल है, और उसमें थोड़ा सा जो टेस्ट आने के लिए जरूरी है, फॉर्मेशन फॉर्मेटिंग के लिए जरूरी है, जो सॉल्ट यूज हो रहा है, दैट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा सा ज्यादा सॉल्ट हो गया तो आपसे चपाती खाई नहीं जाएगी, और अगर सॉल्ट डाला ही नहीं तो भी चपाती का टेस्ट नहीं आएगा, तो वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी मैनेजमेंट इनफॉर्मल को इनवाइट नहीं करती है, वो इनहेरिटेडली बनता है और स्पॉन्टेनियसली बनता है। जब फॉर्मल होता है वहां इनफॉर्मल होता है। अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता हूँ, थोड़े दिन बाद मेरे लोगों के साथ जो है मेरा इंट्रैक्शन होता है, ऑटोमेटिकली मैं स्टार्टिंग में भाई किसी से ज्यादा बात नहीं करूंगा, डे बाय डे देर आफ्टर जैसे जैसे मैं पुराना होता जाऊंगा मेरे को लोग रिकॉग्नाइज हो जाएंगे, मैं उनसे फैमिलियर हो जाऊंगा, साथ बैठ के खाएंगे, साथ आने जाने लगेंगे, बाद ऑफिशियल आवर्स के बाद भी बात करेंगे, वो इनफॉर्मल है। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में टॉपिक है बच्चों, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दिया, क्योंकि आज की क्लास में मैं डुअल टारगेट लेके चल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करा रहा हूँ, क्वेश्चन भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे कि आपको बोर्ड में प्रॉब्लम नहीं आए। द स्टेटमेंट वन इज एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनेट फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन अमंग द एम्प्लॉइज। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझाओ, फॉर्मल होता है बिल्कुल होता है, विदाउट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो ही नहीं सकता। तो फॉर्मल तो है, पर फॉर्मल के साथ साथ ऑटोमेटिकली क्या ओरिजिनेट होगा? इनफॉर्मल। और किसके थ्रू होगा? कोई मैनेजमेंट नहीं कहेगा कि मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से बात करो, नहीं तो कल तुम्हारी सैलरी कट जाएगी, किसके साथ बैठ के खाना खाना है, नहीं तो तुम्हें खाना नहीं खाने दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर मैनेजमेंट साइलेंट होता है, वो एम्प्लॉइज को फ्रीडम देता है कि आप अपना डिसीजन लो, बट रूल्स ब्रेक नहीं होने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को हार्म नहीं होना चाहिए। तो दैट इज वाई इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनेट विद इन द फॉर्मल। द स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। नाउ कम ऑन द स्टेटमेंट टू। एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट। डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट, क्या मैनेजमेंट बनाता है? मैनेजमेंट डिसाइड करेगा एक्स को किसके साथ बैठना है, वाई को किसके साथ बैठना है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने फैमिली में नहीं फॉलो अप कर पाते? आजकल मान लो एक हस्बैंड वाइफ है, दो बच्चे, बच्चों में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। अगर ऑलमोस्ट सेम एज के होते, एक ब्रदर है एक सिस्टर है, भाई बहन को पसंद नहीं करता, बहन भाई को नहीं, इट मे बी लाइक दैट, जरूरी नहीं है बट मे बी। और उस वजह से क्या दोनों आपस में बात नहीं करते, पर अपने फ्रेंड से बहुत कंफर्टेबल बात करते हैं। पापा मम्मी कितना समझा लेते हैं, बेटा भाई से नहीं लड़ना, बेटा बहन से नहीं लड़ना, पर तब भी लड़ते, और फ्रेंड के साथ बड़े खुश होते। तो दैट इज व्हाट, कि वो अपनी कन्वीनियंस से बना रहे, मैनेजमेंट से नहीं बना रहे, ऑर्गेनाइजेशन से नहीं बना रहे, टॉप मैनेजमेंट या कोई ऑर्गेनाइजेशन उनको रूल नहीं कर रहा है। तो इनफॉर्मल डेलिबरेट एफर्ट्स नहीं होता, इनफॉर्मल स्पॉन्टेनियस होता है, इंट्रैक्शन से बनता है। तो स्टेटमेंट टू कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है थ्रू द कॉन्सेप्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट, दैट्स व्हाई जो आपका आंसर आएगा बच्चों, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट व्हाइल द स्टेटमेंट टू इज रॉन्ग। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट गिव्स द शेप टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। बच्चों यही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था, पहले भी आया था अलग फॉर्म में, ठीक है, वहां पे आया था कि एक सुपीरियर कितने सबॉर्डिनेट्स को कंट्रोल कर सकता है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है कि गिव शेप, कि मान लो मैं 10 लोगों को कंट्रोल कर सकता हूँ, और ऑर्गेनाइजेशन में मान लो नियर बाई 1000 एम्प्लॉइज है जो स्टाफ मैन पावर है, तो अगर एक बंदा 10 को कंट्रोल कर सकता है तो उससे स्पैन क्रिएट होगा, शेप क्रिएट होगी, कितने डिपार्टमेंट होंगे, कितने सुपरवाइजर होंगे, कितने बॉस होंगे, कितना मिडिल लेवल होगा, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ एक आदमी का कितना बड़ा स्पैन है, उसके अंडर कितने लोग हैं, उसके बेसिस पे शेप डिसाइड होती है। तो एज फॉर स्पैन एज फॉर शेप, ऐसे आप रिकॉल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड यूज हो रहा है वो क्या यूज हो रहा है? शेप। और यहाँ पर क्या यूज हो रहा है बच्चों? स्पैन। डेट यू पीपल नीड टू रिमेंबर। तो अगर नंबर ऑफ पर्सन आ जाए, एक आदमी कितने लोगों को लुक आफ्टर कर सकता है, या शेप, तो आपका आंसर क्या होगा? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इन विच ईच इंडिविजुअल कम्स टू नो फ्रॉम हूम ही हैज टू टेक ऑर्डर, टू हूम ही हैज टू ही इज अकाउंटेबल।
किससे ऑर्डर मिलेगा और किसके लिए अकाउंटेबल है, आपकी जवाबदेही, आंसरेबिलिटी कि भाई इसके सामने जाके खड़ा होना है, सही हुआ काम या गलत हुआ, आई नीड टू आंसर, आंसरेबल। तो ये बात कहाँ पढ़ाई थी, चार स्टेप से, काम को ढूंढना, आइडेंटिफिकेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, और लास्ट वन क्या था बच्चों, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। रिपोर्टिंग का मतलब ही यही होता है, किसको रिपोर्ट करना है, सुबह जाके इसको रिपोर्ट करना है, दिस इज द मीनिंग ऑफ एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो आपका आंसर क्लियर है, ये भी वन ऑफ द रिपीटेटिव क्वेश्चन है लास्ट 25 ईयर्स का, अगर मैं स्पैन लू 25 सालों की मैं आपको बात कर रहा हूँ, जितने मेरे माइंड में क्वेश्चंस कैरी हो रहे हैं उसके बेसिस पे ये भी क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ये भी पेपर सेटर्स के माइंड में बहुत इजिली कैरी करता है। द आंसर इज डी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9th, इस क्वेश्चन नंबर 9th पे हमने क्या दिया हुआ है, मैचिंग दिया हुआ है, मैचिंग। अगर आप देखेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दिया हुआ है, फॉर्मल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर। अगर स्पेशलाइजेशन वर्ड आ रहा है तो फॉर्मल किसकी बात हो रही है, स्पेशलाइजेशन, फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। अगर आपके डिविजन्स हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन बहुत लार्ज स्केल पे काम कर रही है, नई नई चीजें ऐड की जा रही है, तो डिविजनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेसिक मीनिंग है, सिंपल एक स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, एक फ्रेमवर्क है मैनेजमेंट का। और एक टर्मोलॉजी है फॉर्मल स्ट्रक्चर, फॉर्मल की बात आती है रूल्स रेगुलेशन की बात आती है, इनफॉर्मल की बात आती है, इनफॉर्मल का सोशल इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन, आई फॉर इनफॉर्मल, आई फॉर इंट्रैक्शन, ऐसे आप लर्न कर सकते हो टर्मोलॉजी। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो कई बार होता है कि हम जो नीचे ऑप्शंस दिए होते हैं उन ऑप्शंस में देखो, ए के अंदर पहले ऑप्शन ए में पहले पार्ट में क्या दिया है, 4, बी में 3, सी के अंदर 4 और डी के अंदर अगेन 3, तो आपको 4 और 3 में से ढूंढना है जो आपको पहला जो करेक्ट होगा, या तो ए का 4th होगा या ए का 3rd होगा। तो अगर ए का 4th लगाए तो देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, आपका ए क्या है बच्चों, ए यहाँ पर क्या है, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और 4th क्या है यहाँ पर, अ फ्रेमवर्क विद इन द मैनेजरियल ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म। मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ 1 मार्क क्वेश्चन को ईजी करने की, ठीक है जी। और दूसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पर, अगर नीचे के ऑप्शन में देखो आप, 3rd क्या है बच्चों, इट स्पेसिफाइज क्लियरली द बाउंड्रीज ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेटिंग अमंग द वेरियस एक्टिविटीज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। बाउंड्री ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रूल्स रेगुलेशन की बात आ रही है। ऑप्शन देखो, दूसरे ऑप्शन क्या है, फॉर्मल, फंक्शनल, डिविजनल, तो मेरा जो प्रेफरेंस जा रहा है बच्चों वो फॉर्मल पे जा रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशनल नहीं हो सकता, फॉर्मल हो सकता है। तो जो मेरा आंसर निकल कर आएगा, ए का मुझे 4 सूट कर रहा है, 3rd सूट नहीं कर रहा, और जो 3rd है वो किससे सूट कर रहा है, बी से सूट कर रहा है। तो आप ऐसा ऑप्शन ढूंढो जो नीचे 4 ऑप्शंस गिवन है कि 1st का 4th हो और बी, मतलब ए का 4th हो और बी का 3rd हो। अगर आप ऑब्जर्व करोगे इसमें एक ही ऑप्शन गिवन है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जिसके अंदर आपको क्या गिवन है, ए का 4th, बी का 3rd, सी का 1st, डी का 2nd। मजे की बात है सी और डी तो हमने डिस्कस ही नहीं करा, तब भी हमारा आंसर आ गया। तो ये एक स्ट्रेटेजी होती है जिससे कि आसानी से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। हालांकि सी जो फंक्शनल है उसका आंसर है वहां सबसे फर्स्ट में, देखिए, इट प्रमोट्स एफिशिएंसी इन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर एज एम्प्लॉइज परफॉर्म सिमिलर टास्क स्पेशलाइजेशन, सिमिलर टास्क एज फॉर स्पेशलाइजेशन, एज फॉर सिमिलर टास्क, ये दोनों वर्ड यूज होते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। और डिविजनल का इन्होंने क्या गिवन है, ये भी सूटेबिलिटी से लिया हुआ है, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज एंड नीड टू ऐड मोर एम्प्लॉइज, बड़ी हो रही है ऑर्गेनाइजेशन, नए नए एम्प्लॉइज ऐड हो रहे हैं, नए नए डिपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं, नए नए मैनेजमेंट के लेवल, सब कुछ बड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब डिविजन्स बढ़ रहे हैं, दैट इज डिविजनल स्ट्रक्चर। जहां स्पेशलाइजेशन पे फोकस हो, जहां पे सॉरी सिमिलर टास्क परफॉर्म करने की बात हो रही विद इन द डिपार्टमेंट, वो फंक्शनल है। जो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही हो, नए नए डिपार्टमेंट बन रहे हो, नए नए लेवल डिफाइन हो रहे हो, दैट इज डिविजनल स्ट्रक्चर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स एज रिलेटेड टू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम ऑफ वेल डिफाइंड जॉब्स, ईच बियरिंग अ डेफिनेट मेजर ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। फॉर्मल का मतलब ही यही है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंट, सब कुछ एस्टैब्लिश्ड है, क्लियर है, क्लैरिटी ऑफ जॉब है, कोई इसमें एम्बिग्यूटी नहीं है, ये मेरा बॉस है, ये रूल्स है, ये फॉलो करने नहीं करूंगा तो ये पनिशमेंट है। बी, एफर्ट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स आर कोऑर्डिनेटेड, इंटरलिंक, इंटर इंटीग्रेटेड थ्रू इनफॉर्मल। इनफॉर्मल के अंदर कोऑर्डिनेशन होता है? बिल्कुल नहीं होता। कोऑर्डिनेशन दिमाग से होता है,
जब आप अपने फ्रेंड वगैरह से बात करते हो दिमाग नहीं लगाते बच्चों, ये लगाते हो ये, और ये क्या है दिल, ये दिल द मामला है। तो इनफॉर्मल में दिल द मामला है, दिमाग द मामला नहीं है, दिमाग फॉर्मल है और दिल इनफॉर्मल है। तो ये जो सेकंड बी पार्ट दिया हुआ है ये रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसका फॉर्मल होना चाहिए था ना कि इनफॉर्मल। सी के अंदर आते हैं बच्चों, द इनफॉर्मल स्ट्रक्चर एमर्ज स्पॉन्टेनियसली, यस इट एमर्ज स्पॉन्टेनियसली एंड इट इज नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इसे क्रिएट नहीं कर रहा है, ये इनफॉर्मल कौन कैसे हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है। तो ये सही स्टेटमेंट है, सी करेक्ट है। अब डी पढ़ने की जरूरत ही नहीं, उसका रीजन क्या है, यू आर श्योर ए करेक्ट है, यू आर श्योर बी करेक्ट नहीं है और सी करेक्ट है, और नीचे ऑप्शन देखो दो ही करेक्ट है, ए एंड बी और बी एंड सी लाइक दैट परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ए और सी करेक्ट है, फिर भी पढ़ना चाहो डी पढ़ लो अपने कंफर्ट जोन के लिए और वेरी मच श्योर हो जाओ। द इनफॉर्मल स्ट्रक्चर मे लीड टू प्रोसीजरल डिले एज द एस्टैब्लिश चेन। अगर आप वर्ड अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, टर्मोलॉजी यूज हो रही है, एस्टैब्लिश चेन ऑफ कमांड। इनफॉर्मल में चेन ऑफ कमांड होता ही नहीं है, वहां तो आप अपनी चेन बनाते हो, जिस मर्जी के बाद जाके बैठ के बैठ जाते हो, रिसर्च में जो करते हो स्कूल्स के अंदर या ट्यूशन के बाद जो करते हो वो इनफॉर्मल होता है। इनफैक्ट ट्यूशन सेंटर्स में भी काफी हद तक इनफॉर्मल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है, पर स्कूल्स में नहीं होता, मैम के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, स्कूल के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो इनफॉर्मल में एस्टैब्लिश चेन ऑफ कमांड नहीं होता, तो इसलिए डी रॉन्ग है। फाइनली आपका जो आंसर आएगा बच्चों, आंसर वन आ रहा है, दैट इज ऑप्शन ए एंड सी ओनली, दे आर द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन बेस्ड। अभी मैं दोबारे बोल देता हूँ, ये बोर्ड के हमारे जो लेटेस्ट सैंपल पेपर है वहां गिवन नहीं है, असर्शन बेस्ड वहां नहीं दे रखा है क्वेश्चन, पर सेफर साइड के लिए इकोनॉमिक्स में बहुत आते हैं और CBSE means dynamics, ठीक है। और आपको पता है कि जब प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं डायनामिक्स होते हैं और डायनामिक्स अडॉप्ट होते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन असर्शन बेस आ जाए, तो सेफर साइड के लिए कवर कर रहे हैं, आपसे स्टेटमेंट बेस मान के चल लो। फर्क कितना है, असर्शन बेस में एक कॉज है और एक कॉन्सिक्वेंस है। रीजन मतलब कॉज, असर्शन मतलब उसका कॉन्सिक्वेंस आउटकम। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन ए एंड रीजन, choose the one of the state correct alternative given below. Assertion A, delegation does not mean abdication. अब delegation क्या होता है, abdication क्या होता है? Delegation का मतलब होता है मैं boss हूँ, मैं superior हूँ, मैंने अपना थोड़ा सा काम इसको दे दिया। अब जैसे घर घर में नहीं होता, तो थोड़ा fast track में आपको बताता हूँ, time management भी है, we are on question number 11, कि भाई मैं father हूँ, मैंने अपना काम, मुझे मिसेज ने बोला कि सुनो जी आलू खत्म हो रहे ला दो। अब आलू तो मैं भी ला सकता हूँ, मेरे बच्चे भी ला सकते हैं, बच्चे बड़े हैं मिडिल एज के, 12-15 का बच्चा है, नेबरहुड में आलू मिलते हैं, गली से बाहर निकलो, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में दिख जाता है आलू, और जो खाता है वो बन जाता है भालू। तो फिलहाल मैंने अपने सन को बोल दिया, बेटा जो आलू लिया मम्मी ने बोला है 1 kg। अब सन चाहे विल पावर से जाए, चाहे इनवॉलंटरी जाए, पापा ने बोला जाना तो पड़ेगा, पर मैंने इसलिए भेजा है कि उसको सीखने को मिलेगा, आने वाले टाइम में उसको भी वेजिटेबल्स खरीदनी पड़ेगी जब वो अपनी एज में आएगा, उसको भी परचेजिंग आनी चाहिए, तो मैंने इसलिए उसको डेलीगेट कर दिया। अब भेज तो दिया, पैसे भी दे दिए, बच्चे ने कहा पापा तब जाऊंगा जब मैं एक आइसक्रीम खाऊंगा 10 rupees एक्स्ट्रा। मैं कहा चल भाई रिश्वत भी ले ले तो, ब्राइब भी दे दी उसको, जा भाई जा, मैं अपने काम में बिजी हूँ, ऑफिस का काम बहुत है या कोई और एक्टिविटीज आई नीड टू परफॉर्म, वाइफ को बताया नहीं, जा जा तू लिया चुपचाप लिया है जी, आलू लाया खराब, उसको छाटने नहीं आए, उसको आइडेंटिफाई नहीं करने आए प्रॉपरली, परचेजिंग बच्चा था नहीं कर पाया प्रॉपरली डायग्नोस कौन सा सही है कौन सा गलत है। घर आ गया, मिसेज को दे दिए, मिसेज ने जब वेजिटेबल्स बनाना शुरू किया पता लगा आलू खराब निकले। अब मेरे पर आई, सुनो जी आ जाओ, ये कहाँ से लाए हो आप, क्या छोटे बच्चे हो? मैंने कहा मैं तो लाया नहीं था, मैंने तो किसको बोला था, सन को बोला था, किसको डांट मारो, अब बताओ डांट किसको पड़ेगी, मुझे पड़ेगी या सन को पड़ेगी? अगर डांट सन को पड़ेगी तो ये एब्डिकेशन है, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी अकाउंटेबिलिटी सब पास ऑन कर दी। बट अगर डांट मुझे पड़ेगी क्योंकि मैंने वर्क उसको असाइन किया था, तो मेरे ऊपर जो सुपीरियर है, घर में तो भैया सुपीरियर कौन है, वाइफ है भाई, वाइफ की चलती है सबके घरों में, आपकी मम्मी की चलती है, बड़ा अंडरस्टूड है, तो मम्मी किसको पकड़ेगी, पापा को, पापा किसको पकड़ेंगे, सन को, जो भी सन है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर फॉलो हो रहा है बच्चों, डेलीगेशन होता है कि मैं अपना काम किसी को दे सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ, पर आंसरेबिलिटी मेरे पे ही रहेगी, मुझे अपने बॉस को आंसर करना पड़ेगा। हाँ जो मेरा सबॉर्डिनेट है वो मुझे आंसरेबल होगा, बट बॉस को मुझे ही आंसरेबल करना पड़ेगा। और एब्डिकेशन होता है सब कुछ पास ऑन कर दिया, जय माता दी, अपनी टेंशन खत्म,
भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता, दैट इज एब्डिकेशन। तो assertion इज what? Assertion बिल्कुल करेक्ट है, एनसीईआरटी की बुक से लिया हुआ है। डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिकेशन। रीजन क्या दिया है? मैनेजर कैन पास ऑन हिज और हर अकाउंटेबिलिटी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ असाइन टास्क टू द सबॉर्डिनेट। मैनेजर अपना काम दे देगा, किसको दे देगा? सबॉर्डिनेट को दे देगा, और अकाउंटेबिलिटी भी दे देगा। अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड, बट अकाउंटेबिलिटी कांट बी डेलीगेटेड। दैट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट? दैट्स द रीजन कि भाई ये जो रीजन गिवन है ये गलत है, ये असर्शन के बेसिस पे भी नहीं है और गलत है, क्योंकि मैनेजर अपनी अकाउंटेबिलिटी पास ऑन नहीं कर सकता। तो आंसर जो आएगा बच्चों, असर्शन करेक्ट आएगा, रीजन फॉल्स आएगा। द आंसर इज व्हाट? आंसर इज ऑप्शन सी। आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बच्चों पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत इजी है। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट एज इलस्ट्रेटेड बाय द पिक्चर गिवन अबव द कंसीडरिंग ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। ये फंक्शन दिए हुए, कॉस्मेटिक है, गारमेंट है, भाई कंपनी है, कॉस्मेटिक भी बना रही है, गारमेंट भी बना रही है, फुटवेयर भी बना रही है, स्किन वेयर भी बना रही है, लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ITC लिमिटेड। अकाउंट्स में भी आप एक प्रोजेक्ट करते हो, सेगमेंट रिपोर्टिंग, सेगमेंट एनालिसिस, वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है। तो जब डिवीजन की बात हो रही है, प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, और हर डिवीजन में वही डिपार्टमेंट्स हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? डिविजनल स्ट्रक्चर। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इजी आज की डेट में, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, तो इजी टू रिकॉग्नाइज है। यही क्वेश्चन किसी और फॉर्म में भी आ सकता है, आई एम शोइंग यू इन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज क्वेश्चन नंबर। फिलहाल इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? आंसर इज डिविजनल स्ट्रक्चर। देखिए यही क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आया हुआ है, इस फॉर्मेट में आया हुआ है। अब यहाँ पे ऑप्शंस गिवन नहीं है, तो थोड़ा सा माइंड का कंजम्पशन ज्यादा हो गया, अप्लाइंग हो गया। वो अंडरस्टैंडिंग था, ये अप्लाइंग में आ गया। याद है ना मेथोलॉजी, आपकी रिमेम्बरिंग, अप्लाइंग, अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग, तो ये अप्लाइंग में आ गया। अब अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हिंट नहीं है हमारे पास। एमसीक्यू में उल्टा हिंट हो जाता है, कई बार एमसीक्यू हिंट का काम करता है, कभी कभी एमसीक्यू हिट का भी काम करता है, हिट भी कर जाता है, कंफ्यूजन भी कर जाता है। फिलहाल यहाँ पर जो है वही एक कंपनी है जिसका मैनेजिंग डायरेक्टर है, कंपनी का नेम है पारस इंडस्ट्रीज, झारखंड में लिमिट एग्जिस्ट करती है। उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर, उन्होंने डिवीजन बांटे हुए स्किन केयर प्रोडक्ट, प्रोसेस फूड, मेडिसिन, और फिर उनके डिपार्टमेंट्स है, दैट इज ऑल्सो नथिंग बट वॉट? डिविजनल स्ट्रक्चर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट्स, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है और विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? ऑप्शन ए एंश्योर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन तो इंश्योर होता ही है, मैनेजमेंट के सारे फंक्शन में मैंने कहा था तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनी, ये कोऑर्डिनेशन तो ऐसा है, ये ना प्लानिंग का पीछा छोड़ेगा, ना ऑर्गेनाइजिंग का छोड़ेगा, ना स्टाफिंग का छोड़ेगा, ना डायरेक्टिंग का छोड़ेगा, ना कंट्रोलिंग का, और ना ही मैनेजमेंट का छोड़ेगा। सब में कोऑर्डिनेशन का सेंस है, रिक्वायरमेंट है। तो पहला तो ठीक है, किसके बीच कोऑर्डिनेशन कर रहा है? मैन पावर, 3M थ्योरी, मैन मशीन मटेरियल, यस ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजिंग का यही काम है। एंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, जब प्रॉपर फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, चेन ऑफ कमांड होता है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होता है, तो डेफिनेटली स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन चलती है। मुझे पता है मुझे किसको जाके बोलना है, किसको मुझे ऑर्डर करना है, किससे ऑर्डर लेना है, सब कुछ क्लियर है। स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप, वही आ गया, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप वर्ड आ गया। किसके बीच? मैन पावर, मशीन पावर, मटेरियल पावर, मनी पावर, सबके बीच में, पीपल, वर्क, रिसोर्सेज। तो पहले तीन तो बिल्कुल ही ठीक है, कोई गलत लगा ही नहीं अपने को। फोर्थ पे आते हैं, एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड। अगर आप पे आप यहाँ वर्ड देखिए, यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है बच्चों? स्टैंडर्ड वर्ड आ रहा है, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड सेट किए जा रहे हैं, कहाँ सेट होते थे स्टैंडर्ड? किसके लिए सेट किए जाते हैं? कंट्रोलिंग के लिए, काम हुआ नहीं हुआ, काम क्या करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वो डिसाइड होता है प्लानिंग में, ना कि ऑर्गेनाइजिंग। इसलिए इसका आंसर जो आएगा बच्चों, डी ऑप्शन आएगा, ना कि फर्स्ट थ्री आएगा। तो आंसर इज एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। अब बच्चों 15th क्वेश्चन है, ये लास्ट वन मार्क क्वेश्चन है, उसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे, फटाफट उसको भी लेते हैं। भारत लिमिटेड इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेस्ड इन द पुणे। On the one hand, it deals in items with like book, music instrument, video tape. On the other hand, it deals with laptop, mobile phone. The company had a functional structure with separate heads, production, marketing, finance. All the functional heads are looking after the product, but at times their activities are overlapped. Overlap हो रही है जी, कोई किसी का काम कर रहा है, कोई किसी का काम कर रहा है।
This leads to problem related to coordinating and interpersonal conflict. To facilitate specialization, Mr. Raman, the CEO of the company, decided to group the books. To group, grouping word aa gaya. Music group, music or videotape, inka alag group bana do. Under the media, laptop, mobile phone, consumer electronics, inka alag group bana do. अब देखो ये आंसर डिविजनल का भी हो सकता था बच्चों, क्योंकि डिविजन की तरह बन रहा है, पर क्वेश्चन ने पूछा कि स्ट्रक्चर पूछा है तो डिविजनल भी आ सकता है, और अगर प्रोसेस का पार्ट पूछा है तो आंसर कुछ और होगा. व्हाइल डूइंग सो रमन हैज परफॉर्मड अ स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. किस फंक्शन की बात हो रही है? ऑर्गेनाइज की, अरेंज करने की. और प्रोसेस के अंदर कौन सा स्टेप है? डिपार्टमेंटलाइजेशन, ग्रुपिंग वर्ड आ गया. तो आंसर इज डिपार्टमेंटलाइजेशन. अगर स्ट्रक्चर पूछा जाता, दोबारे बता रहा हूं, यहां आंसर आता डिविजनल स्ट्रक्चर, क्योंकि फंक्शनल तो था ही, और जब फंक्शनल में डिस्टरबेंस आती है तो आपको क्या करना पड़ता है? डिविजनल की तरफ ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रही है, ग्रो कर रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, ये 3 मार्क्स क्वेश्चन आ जाता है. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अनडाउटेडली एम्पावर्स एम्प्लॉई टू एक्ट फॉर ए सुपीरियर, बट द सुपीरियर वुड स्टिल बी अकाउंटेबल. वही एब्डिकेशन वाला. डेलीगेशन का मतलब काम देना, ना कि अपनी अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर करना. आंसरेबिलिटी मेरी है, बस काम दे रहा हूँ. अच्छा हुआ तो भी मुझे फायदा होगा, नुकसान हुआ आई नीड टू बियर. अच्छा हो बुरा हो आई नीड टू बियर बिफोर माई सुपीरियर, जो मेरे ऊपर है. मैं नहीं कहूंगा कि मैंने काम अपने सबॉर्डिनेट को दे दिया था. तो इसके एलिमेंट्स बताने हैं डेलीगेशन के, और आपको पता होना चाहिए इसके 3 एलिमेंट है बच्चों. AAR, ऐसे आप लर्न कर सकते हो. AAR, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी. अगर ऑर्डर में बोले, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में याद करना, आर, एक मूवी भी हुआ करती थी बहुत पुरानी, शायद 80s के टाइम में, आर या पार. तो आर याद कर लो, आर या रॉ याद कर लो, आर डबल ए फॉर अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. और इजी है, हाफ मार्क्स इनके जो एलिमेंट्स, इनकी हेडिंग के हाफ मार्क्स, एक्सप्लेनेशन के 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. अथॉरिटी का मतलब राइट टू कमांड, ऑर्डर देना. रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब काम करने की आपकी आपकी ड्यूटी, ड्यूटी टू बी परफॉर्म्ड. और लास्ट में अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी, कि जो काम किया उसके लिए कौन किसके लिए आंसरेबल होगा. ये तीनों चीजें डेलीगेशन में होती है. और याद रखना, दोबारे बता रहा हूँ, हो सकता है ये मैं 3-4 times ऑलरेडी पहले बता भी चुका हूँ, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ कैन बी डेलीगेटेड, बट अकाउंटेबिलिटी कैन नेवर बी डेलीगेटेड. ये स्टेटमेंट भी बोर्ड में बहुत बार आई हुई है. द नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th question, अदानी कम्युनिकेशन. बच्चों आपको पता है आजकल अदानी ग्रुप बड़ा फेमस है. क्यों फेमस है? सबको पता है कि अदानी ग्रुप के जो शेयर है बहुत आजकल फॉल कर रहे हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट आई है यूएसए कंपनी की, जो एक CFA कंपनी है, एक अकाउंटिंग कंपनी है जो ऑडिट करती है, और अदानी ग्रुप में उन्होंने कुछ फॉल्ट पाए हैं उनके प्रोसेस में, जो भी अकाउंटिंग प्रोसेस है, जो भी उन्होंने विंडो ड्रेसिंग करी है उसकी रिजल्ट में. तो फिलहाल उनके साथ जो हो रहा है वो हमारा पार्ट ऑफ कंसर्न यहाँ पे नहीं है, बट वी आर प्रेइंग कि भाई जो भी हो रहा है उनके साथ ज्यादा बुरा ना हो, क्योंकि इंडियन कंपनी है और हमारी कंपनी की GDP में उनका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन भी है. नाउ वी कम ऑन द पॉइंट, अदानी कम्युनिकेशन लिमिटेड. तो ये वो कंपनी नहीं है, बस नाम अदानी आ रहा है इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दिया, क्योंकि BSTL रियल लाइफ आपको पता होनी चाहिए. अदानी कंपनी लिमिटेड हैज डाइवर्सिफाइड इट इनटू सेवरल प्रोडक्ट्स लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज. ईच सब्सिडियरी इज सेल्फ सफिशिएंट विद देयर ओन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, प्रोपोगेटिंग द बिलीफ दैट पीपल कैन अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी for effective implementation of the decisions should be given autonomy. This has reduced the need for direct supervision. वो कह रहे इतने सारे डिपार्टमेंट है जी, इतने सारे डिवीजन है, काम बांट दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दो, अथॉरिटी बांट दो, सबके अंदर रिलैक्सेशन आ जाए, ऑटोनॉमी हो जाए. एक बंदे के पास सारी पावर होगी, काम नहीं होगा. पावर को डेलीगेट कर दो, और नॉट विद इन वन डिपार्टमेंट और वन पार्ट, थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. आप समझ पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. Identify and explain any 2 points of importance of the concept being discussed. किसकी बात हो रही है? अगर आंसर की बात करें तो किसकी बात हो रही है बच्चों? Decentralization की बात हो रही है. और उसकी फिर importance बतानी है. आप कोई भी 2 importance लिख सकते हो. पहला develop the initiative. जब आप पूरा का पूरा system और decentralize कर रहे हो, जैसे आपने सुना होगा हमारी कंट्री में एक मिनिस्टर है मिस्टर नितिन गडकरी जी, तो उनके काम से बहुत लोग इन्फ्लुएंस्ड है. इवन जो अपोजिशन पार्टीज है वो भी उनकी कभी क्रिटिज्म नहीं करती है, क्रिटिसाइज नहीं करती है. वो कहते हैं जी बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत इंडिया में बहुत हाईवेज बन रहे हैं, बहुत रोड्स बन रही हैं, बहुत अच्छे से बन रही है. रीजन कि मोदी जी ने उनको इनिशिएटिव दिया हुआ है कि तुम अपने डिसीजन खुद ले सकते हो, तुम करो जो भी ये काम कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, हम आपके साथ खड़े हैं. तो ये जब इनिशिएटिव होता है, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, अथॉरिटी दे रहे हो, तो बंदा फ्री होके काम करता है.
और दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर. आने वाले टाइम के लिए आज तुम सबॉर्डिनेट हो, पर जब तुम सुपीरियर के काम करने लग जाओगे तो आने वाले टाइम में आप क्या बन जाओगे बच्चों? सुपीरियर. एंड यू विल बी अपलिफ्टेड टू द हायर पोस्ट. डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाएगा क्योंकि डिसीजन नीचे तक लिए जा रहे हैं, अपने अपने लेवल पे लिए जा रहे हैं. टॉप मैनेजमेंट रिलैक्स हो जाएगा. क्यों? क्योंकि उनके पास मेन काम करने का टाइम होगा, क्योंकि उन्होंने अपने काम को थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन डेलीगेट कर दिया है. तो इनमें से आप कोई भी दो लिख सकते हो. हाफ मार्क फॉर आइडेंटिफिकेशन, हाफ मार्क फॉर वन एंड हाफ मार्क फॉर एक्सप्लेनेशन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट एनी थ्री इंपॉर्टेंट थ्री पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन, रिमेम्बरिंग वही जो 55% है. तो किसी चैप्टर में से ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो पढ़ के सब जाना है, छोड़ने का कोई नहीं है. जिसे छोड़ोगे वो तुम्हारी उम्मीद छुड़वा देगा. ठीक है जी. तो इसमें आपके देखिए जी, हमने यहाँ पे जी तक, ए से लेके जी तक मेरिट आपकी इंपॉर्टेंस दी हुई है. कोई भी आप इसमें से तीन लिख सकते हो. फ्लेक्सिबिलिटी है. और यदि इनमें से आपको कोई याद नहीं भी आ रही तो आप अपनी भी लिख सकते हो, बट रेलेवेंट होनी चाहिए, इररेलेवेंट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. सीबीएसई कहती है अगर बच्चे ने अपना कोई पॉइंट लिखा है, रेलेवेंट है, तो उसको उसका फुल क्रेडिट मिलना चाहिए. बट फिर भी हमारी कोशिश होनी चाहिए, वी मस्ट ट्राई आर बेस्ट कि एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स हो, एटलीस्ट की पॉइंट्स, हेड पॉइंट्स हो एनसीईआरटी के हो. अंदर वाला चलेगा, ठीक है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हो. पर फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब नहीं प्योर फ्लेक्सिबिलिटी हो जाए, ठीक है जी. फ्लेक्सिबिलिटी रखना, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि जो मन में लिख दो. रेलेवेंट होना चाहिए, यू विल बी गिवन द फुल क्रेडिट, डोंट वरी. तो फिलहाल यहाँ पे बच्चों आपको फर्स्ट में क्या दे, बेनिफिट टू द स्पेशलाइजेशन. अब जब बात आती है ना ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस की, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब परिवार का मुखिया, और उसके अंदर बच्चे कौन कौन थे, उसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन था, डेलीगेशन था, फॉर्मल था, इनफॉर्मल था, उसके अंदर और भी सारे कॉन्सेप्ट थे, डिपार्टमेंटलाइजेशन था, अदर प्रोसेस थे, स्टेप्स थे ऑर्गेनाइजिंग के. तो जिसके बारे में जो समझ में आया उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ लिख दो, क्योंकि यहाँ पूरी फैमिली की इंपॉर्टेंस पूछी जा रही है, पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट की इंपॉर्टेंस नहीं पूछी जा रही है. तो ऑर्गेनाइजिंग से क्या फायदा होगा? फंक्शनल स्ट्रक्चर, स्पेशलाइजेशन होगा, यहाँ पर फायदा हो रहा है. क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, मतलब फॉर्मल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, वो भी ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है. रिसोर्सेज ऑप्टिमम यूज होंगे, क्योंकि मैन, मटेरियल, मशीन और मनी, व्हाटएवर, इनके बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा, तो रिसोर्सेज ऑप्टिमम यूज होंगे. दो पॉइंट रिपीट हो गए, वो एक ही है सी एंड डी, तो प्लीज इसको वरी मत करिएगा. ई पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, क्योंकि आप डेलीगेट कर रहे हो, डिसेंट्रलाइज कर रहे हो, सबॉर्डिनेट को काम सिखा रहे हो, तो उनका डेवलपमेंट हो रहा है, आने के फ्यूचर के मैनेजर बन रहे हो. अडेप्टेशन टू चेंज, क्योंकि प्लानिंग रिजिड होती है, जब उसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो थोड़ा डायनामिक्स आता है, प्रैक्टिकलिटी थोड़ी अलग होती है, सोच अलग होती है. तो जो रियल लाइफ में होता है उसको हम चेंज को अडेप्ट कर पाएंगे, हम ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाते हैं. एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली रन होती है तो उसमें एक्सपेंड होने की, ग्रोथ होने की प्रोबेबिलिटीज रहती है, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में अपना स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं. दैट इज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. यू आर फ्री टू राइट एनी थ्री, इनमें से भी लिख सकते हो. कोई रेलेवेंट आ रहा है माइंड में, मेन हेडिंग नहीं आ रही है, छोड़ने का नहीं, गिव अप नहीं करना. पुष्पा याद है ना, पुष्पा मूवी अभी हिट हुई थी बहुत, ठीक है जी, उसमें था ना वो ऐसे जेस्टर करता था, झुकेगा नहीं. तो झुकने का नहीं है, लिख के जरूर आना है, याद रखिएगा. तो कोई भी थ्री पॉइंट लिख सकते हैं बच्चों, फील फ्री. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. अब देखो ये क्वेश्चन इजी भी है और डिफिकल्ट भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, अप्लाइंग भी है, ठीक है जी. रिमेम्बरिंग भी है, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, तीनों में आ गया ये. क्यों? क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मल इनफॉर्मल में डिफरेंस बताना है. यहां तक पेपर आता तो रिमेम्बरिंग है. उन्होंने बेसिस डिफाइन कर दिया, ओरिजिन, अथॉरिटी, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन. तो उन्होंने यहाँ पर आपको अप्लाई करा दिया कि स्पेसिफिक आंसर बताना है विद रिस्पेक्ट टू दीज बेसिस. आपकी अपनी नहीं चलेगी इनफॉर्मल वाली बात कि जो मन में आया लिख दिया, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, जो मन में आ गया. बेसिस पे लिखना है, तो बेसिस मस्ट बी क्लियर. आज के टाइम में बेसिस का जमाना है, जो बेसिस दिए होते पहले वो लर्न करने चाहिए, उसके बाद डिफरेंस को आपको रिकॉल करना चाहिए. याद रखिएगा, बीएसटी में बहुत फॉलो होता है ये पॉइंट. थ्री मार्क्स है, थ्री बेसिस है, हर बेसिस का अगर आपने करेक्ट लिखा तो उसका वन मार्क है. अगर एक का सही लिखा, एक बेसिस पे, फॉर्मल का सही है, इनफॉर्मल का गलत है, तो आपको हाफ मार्क क्रेडिट हो जाएगा. उस कॉन्टेस्ट में आपको आंसर लिखना है. तो बहुत ईजी है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है. पहला ओरिजिन है, फॉर्मल जो होता है किस, उसका ओरिजिन क्या होता है, डेलीबरेट होता है, डेलीबरेटली क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट. इनफॉर्मल क्या होता है, इंट्रैक्शन से बनता है, स्पॉन्टेनियसली बनता है, कोई बनाता नहीं है, बन जाता है. जैसे शादियों में होता है ना, भाई दो तीन कजन मिलके डांस कर रहे हैं, अचानक से कोई और रिलेटिव आता है, जानते नहीं है, वो भी डांस कर रहा है, भंगड़ा पा रहा है, तुम भी भंगड़ा पाने लग गए.
दैट इज व्हाट इनफॉर्मल, जो स्पॉन्टेनियस होता है, बन जाता है, बनाने वाला कोई नहीं होता, समझ गए जी। वो एक मूवी मुझे याद आ गई यहाँ पे भी, रब ने बना दी जोड़ी, ठीक है जी, तो वो इनफॉर्मल है जी, जैसी मर्जी सिचुएशन में जोड़ी बन जाती है, और जो बनाई जाती है फॉर्मली वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। अथॉरिटी, नेक्स्ट बेसिस अथॉरिटी, अथॉरिटी राइजेस फ्रॉम द बेसिस ऑफ पोजीशन। अथॉरिटी किस पे ज्यादा होती है, पोजीशन होती है स्केलर चेन, ऊपर वाला मैनेजमेंट पे ज्यादा अथॉरिटी होगी, नीचे नीचे अथॉरिटी कम होती जाएगी, उसके अकॉर्डिंग है। और इनफॉर्मल में कोई ऐसा रूल नहीं है, जो ग्रुप के अंदर अच्छा बोलने वाला होगा, गुड स्पीकर होगा, जिसका इनिशिएटिव अच्छा होगा, वो बन जाएगा हेड, वो लीड करेगा पूरे ग्रुप को, जय माता दी, चलो आगे बढ़ो। मंदिर में लेके जाते हैं ना कई बार बसेस वगैरह, तो जो अच्छा स्पोकर स्पीकर होता है, इनिशिएटिव लेता है, सारे एफर्ट्स करता है, वो हेड बन जाता है, कोई भी कर लो, जो कर लेगा वो हेड बन जाएगा, दैट इज इनफॉर्मल। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल में जो कम्युनिकेशन होता है स्केलर चेन के थ्रू होता है, ये बॉस है, ये सबॉर्डिनेट है, फिर उसके नीचे एक बी सी, ए का सबॉर्डिनेट कौन है, बी, बी का सबॉर्डिनेट कौन है, सी, तो ये फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है। पर इनफॉर्मल में जय माता दी, जो मर्जी चलेगा, ए बी से बात कर रहा है, बी डी से कर रहा है, डी से कर रहा है, जैसे मर्जी कर लो, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, क्योंकि वही इनफॉर्मल का बेस है, सोशल इंटरेक्शन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 20, वी आर ऑन द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, फिर भी कोई क्वेरीज हो फील फ्री, यू कैन आस्क इजली, हम आप पूरी कोशिश करेंगे आपकी सारी प्रॉब्लम्स को लेने की। फिर भी कोई बच्चा रह जाता है, आप प्लीज डोंट हेजिटेट, टेस्ट टेलीग्राम में आप टेक्स्ट कर सकते हैं, वहां पर भी हम आपको रिवर्ट कर देंगे। वी हैव वेरी एक्सपीरियंस फैकल्टीज, जो मेरे साथ और भी फैकल्टीज हैं, बहुत जल्दी हम आपकी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, संता एंड बंता आर द हेड्स ऑफ टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन लॉटपोर्ट लिमिटेड, एक कंपनी है लॉटपोर्ट, और उसमें दो बंदे है, हेड है, मैनेजर है, संता एंड बंता, दे आर एफिशिएंट मैनेजर एंड आर एबल। देखो ये ना, इसको मैं डिस्गाइज सी कहता हूँ, डिस्गाइज केस स्टडी, पढ़ोगे ना अजीब सी लगेगी, फन के लिए मैंने इसमें संता बंता ले लिया कि बच्चों को थोड़ा इजी लगे, बट अगर पढ़ोगे ना पता नहीं कहना क्या चाह रहा है। तो पेपर में एक दो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, केस स्टडीज बन जाती है, एक्सेप्शन है, ये नहीं कि हर बार आते, केस स्टडीज बन जाएगी, ठीक है जी। कहते हैं ना सर कूच, हाथ कूच, पैर कूच, ऊट पटांग चीजें, केस स्टडी कुछ है, पूछा कुछ है, ये ऐसा केस है। और इसका रीजन क्या है कि केस स्टडीज थोड़ी अजीब सी दे दी, बट क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दिया, इससे केस स्टडीज का जो फोबिया बच्चे का खत्म हो गया। तो इस कॉन्टेस्ट में केस स्टडीज बनाई हुई है, पूछा कुछ है, और ये कहावत है ना, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, शायद यहाँ पे प्रॉपर सुटेबल हो रही है, कि है बहुत डिफिकल्ट केस स्टडीज, समझ में थोड़ी सी अजीब सी लगेगी, बट लेटर ऑन जब कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगी। तो कई बार आपको केस स्टडी समझ नहीं आ रही, डोंट गिव अप, वही पुष्पराज, पुष्पा बनना है, झुकेगा नहीं, लास्ट की लाइन पढ़ देंगे क्वेश्चन में पूछा क्या है, फिर रिवर्स ऑर्डर में पढ़ लो केस स्टडीज, पहले क्वेश्चन पढ़ लिया फिर केस स्टडीज पढ़ो, फिर क्वेश्चन दोबारे पढ़ो, तो आप देखोगे आपकी केस स्टडीज इजिली अटेम्प्ट हो जाएगी। संतन बंता आर द हेड्स, कंपनी का नाम है लॉटपोर्ट लिमिटेड, एफिशियंट मैनेजर है, अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट भी कर रहे हैं, हाउएवर देयर ड्राइव टू एक्सेल इन देयर ओन स्फीयर ऑफ एक्टिविटीज इंस्टेड ऑफ गिविंग एम्फसाइज ऑन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज हैज हिंडर्ड द इंटरेक्शन बिटवीन द डिपार्टमेंट संता मंता हेडिंग, ऑफन देयर आर इंटर डिपार्टमेंटल कंफ्लिक्ट हो रही है दोनों डिपार्टमेंट से, दे हैव बिकम इनकंपेटिबल, दिस हैव प्रूव्ड टू बी हार्मफुल इन द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। यहाँ तो कुछ और कहना चाह रहे हैं, प्रॉब्लम्स की बात हो रही है। The situation has deteriorated to such an extent that CEO of Lotput Limited has hired a consultant, Mr. Raju, to resolve the problem. After studying the situation closely, Raju found that the problem has arisen due to the inflexibility and narrow perspective. ये informal की बात हो रही है यहाँ पे, inflexibility है, narrow perspective on the part of the both Santa and Banta. He is of the view that this situation is a result of the type of organizational structure. जो structure है ये उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। यहां तक तो ऐसा लग रहा है प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम, बस स्टार्टिंग में एफिशिएंट वाली बात आई थी, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, अब देखते कहना क्या चाह रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम पूछेगा, स्ट्रक्चर के बारे में पूछेगा, उसकी प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है, लिमिटेशंस पूछेगा, या उसके कोई सॉर्ट आउट करने के लिए रेमेडीज पूछेगा। अब देखिए क्वेश्चन ने पूछा क्या है, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर तो सबको पता है, डिपार्टमेंट्स है, हेड्स है, तो किसकी बात हो रही है बच्चों, डिविजन की बात तो हो ही नहीं रही। तो द आंसर इज फंक्शनल स्ट्रक्चर Adopted by the Lotput Limited, इसका मीनिंग बताओ, फंक्शनल का मीनिंग आप लिख सकते हैं, और कोई फोर एडवांटेजेस बताओ।
तो यहाँ एडवांटेजेस पूछी है और बात हो रही थी ऊपर प्रॉब्लम्स के डिसएडवांटेजेस की, और नीचे आते आते हम कहाँ पर आ गए, एडवांटेजेस। तो क्वेश्चन कुछ और था, निकला कुछ, तो आपको कंफ्यूज कर रहा था क्वेश्चन। जो पूछा गया वो बहुत इजी है, केस स्टडीज एंड में आते आते बहुत आसान हो गई। नेक्स्ट, फंक्शनल स्ट्रक्चर आ गया आंसर, मीनिंग आ जाएगा ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ द सिमिलर नेचर, जो फंक्शनल हेड्स होते हैं, दैट इज ऑल अबाउट फंक्शनल स्ट्रक्चर। एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, कोई भी फोर एडवांटेजेस हैं, स्पेशलाइजेशन होगा डिपार्टमेंट के अंदर, जो है उनकी जो कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, इट इंक्रीज द मैनेजरियल ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इट लोअर द कॉस्ट एंड रिड्यूस डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। भाई पता है किसको क्या काम करना है, मुझे ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, ओवरलैपिंग नहीं होगा, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होगा, एम्प्लॉयज का ट्रेनिंग करना ईजी होगा, और बाकी जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में अच्छे से कोऑर्डिनेशन होगा। तो इनमें से आप कोई भी फोर लिख सकते हो बच्चों, ईजी है, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। नाउ वी कम ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दी चैप्टर, उससे पहले नीचे दिया हुआ हेडिंग दिया है तो हाफ मार्क, और उसको एक्सप्लेन कर रहा है तो उसका अलग है हाफ मार्क। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, सिक्स मार्क्स क्वेश्चन, ग्रो इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है, इज अ ग्रोइंग आईटी कंपनी, आईटी फर्म विद रैपिडली इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, इट हैज रिसेंटली बीइंग अवार्डेड द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क इन इंडिया 2022 एंड इज द मोस्ट सॉट आफ्टर बाय द जॉब सीकर्स। In this company, rules and procedures are to be followed by the employees. Rules and procedures are to be followed by the employees. Matlab formal. Have been clearly laid down by the top management. There is no ambiguity in the role of each member has to play. कोई ambiguity नहीं है, किसको क्या काम करना है सबको पता है भाई, ठीक है जी। As duties are specified. Lunch time में, जब lunch time, देखो यहाँ तक अगर बात करें, duties are specified. यहाँ तक बात मुझे समझ में आ रही है, formal. फॉर्मल की बात हो रही है, सब कुछ सिस्टमेटिक है, रूल्स क्लेरिफाई है, किसको क्या फॉलो करना है सब पता है, फॉर्मल है। अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो नहीं पता, फिलहाल मैं अपना आइडिया लगा रहा हूँ। ड्यूरिंग द लंच टाइम, अब लंच टाइम की बात आ गई, लंच मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, अब तो अपना फ्लेक्सिबिलिटी है, जिसके साथ बैठने का मन करेगा उसके साथ बैठूंगा, जिसके साथ खाने का मन करेगा उसके साथ खाऊंगा, जिसके साथ बात करने का मन करेगा उसके साथ बात करूंगा। दैट इज ड्यूरिंग द लंच टाइम ऑल एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गेट टुगेदर इन अ कैंटीन, दिस टाइम इज मच अवेटेड बाई एवरी एम्प्लॉय। सुबह से वेट करते कब रिसर्स होगी, स्कूल में भी तो होता है रिसर्स का, सब वेट करते हैं, बच्चों का मन करे 8 पीरियड होते 8 पीरियड रिसर्स लगा दे तब भी मन नहीं भरेगा, क्योंकि इतना वेट कर रहे होते। जो मस्ती करनी है, जो फन करना है, शरारत करनी है, कब करोगे, रिसर्स में करोगे। तो यहाँ पर भी हम बींग एम्प्लॉय किसकी वेट करते हैं भाई, लंच टाइम हमारा तो वही रिसर्स है। एट इट अलाउज देम टू शेयर देयर फीलिंग विद अदर्स, दिस लीड टू सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो थकान होती है ना, फैटीक, वो लंच में खत्म हो जाती है, चाहे 15 मिनट का लंच क्यों ना, आपके साथ भी होता है स्कूल में, तो बाकी रिमेनिंग हाफ टाइम जो आपका अच्छा जाता है पढ़ने में, क्योंकि रिसर्स में आप ईज हो जाते हो, जो सारा टेंशन जो एग्जर्शन होता है वो रिलैक्स हो जाता है। तो अगर आप इजिली इसको रिकॉग्नाइज करो, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऊपर वाला पहला पैराग्राफ स्पेसिफाइड तक जो रेड मार्क किया है, दैट इज वर्ड, दैट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर, और इसके बाद सॉरी नॉट फंक्शनल, फॉर्मल स्ट्रक्चर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और जो बाद वाला है यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों इनफॉर्मल की बात हो रही है, दोनों की दो दो मेरिट बतानी है, और साथ में ये बताना है हाईलाइट करके कि फॉर्मल कौन सा है, इनफॉर्मल कौन सा है। फॉर्मल स्ट्रक्चर कौन होता है बच्चों, इसमें रूल्स प्रोसीजर्स जो है वो टॉप मैनेजमेंट लिखता है, एम्प्लॉयज को फॉलो करना पड़ता है, क्लैरिटी ऑफ जॉब होता है, एम्बिग्यूटी नहीं होता, वही लाइन वहाँ से कॉपी करके आपको लिखनी है, फिर इसका छोटा मोटा एक्सप्लेन कर देना, इन्हीं को सिंप्लीफाई कर देना। कोई लैंग्वेज आपको ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी की लिखनी जरूरी है, केस स्टडीज की खासियत ही यही होती है कि थोड़ा सा आप ईज हो जाते हो, लर्निंग कम हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद है बच्चों इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, ड्यूरिंग द लंच टाइम, वहीं से स्टार्ट हो रहा है फेजेस, तो आपको हाईलाइट करना था कौन सा पैराग्राफ फॉर्मल का है कौन सा इनफॉर्मल का है, तो वी हैव हाईलाइटेड, देयर आफ्टर अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। फिर मेरिट्स आ जाएगी, एनी टू मेरिट्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल में क्या होता है, क्लैरिटी होता है, एम्बिग्यूटी नहीं होती, सबको पता होता है किसको फॉलो करना है किसको नहीं करना, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इजी अचीव हो सकते हैं, आपके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ स्टेबिलिटी आप इंश्योर कर सकते हो, यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो होता है, क्योंकि कौन सुपीरियर है कौन सबऑर्डिनेट है, ये सब बातें, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर जो सी पॉइंट यूज हो रहा है, ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है या टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ यूनिटी ऑफ कमांड एंश्योर होता है, आंसर इज फॉर्मल स्ट्रक्चर, क्योंकि सुपीरियर सबॉर्डिनेट, वन सुपीरियर वन सबॉर्डिनेट, जो आपने पढ़ा है, ड्यूअल सबॉर्डिनेशन शुड बी अवॉइडेड, दैट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द
फ्यूल 14 प्रिंसिपल्स यूनिटी ऑफ कमांड. तो यूनिटी ऑफ कमांड कौन एंश्योर कर रहा है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इनफॉर्मल के मेरिट्स, इनफॉर्मल में क्या होता है, पर्सनल टच होता है, जो फैटिकनेस होती है वो आपकी जो है ओवरकम हो जाती है, री एनर्जाइज हो जाते हो, इसका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई रूल्स नहीं होता, तो एम्प्लॉइज को कंफर्ट जोन होता है, जिसको लाइक डिसलाइक है उस बेस पे बात करते हो, इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता है. इनफॉर्मल होने से कुछ काम जो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ईज हो जाती है, क्योंकि मान लो कोई मुझे किसी दूसरे डिपार्टमेंट से काम कराना है और यदि वो ऑलरेडी मेरा ऑलरेडी फ्रेंड है, मैं उससे पहले से ही इंटरेक्टेड हूँ, मिलना जुलना होता है, बात करना होता है, तो एक चेन को ना फॉलो करके मैं उसको भी डायरेक्टली फॉलो करके उससे वो काम करवा सकता हूँ. ऑर्गेनाइजेशन का टाइम भी बचेगा, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छा होगा और म्यूचुअल ट्रस्ट भी डेवलप होगा. तो ये चीज इनफॉर्मल है जिसमें आप कोई भी रो पॉइंट लिख सकते हैं. तो फाइनली बच्चों, वी आर गोइंग टू वाइंड अप टुडेस क्लास. वी हैव कवर्ड 21 क्वेश्चंस अलोंग विद लिमिटेड टॉपिक्स जो मेन टॉपिक्स थे. एंड आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स थे, लाइक ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस, फॉर्मल स्ट्रक्चर, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, वी हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स जो आपके सिलेबस के पार्ट है और इनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी आपके किए. तो आई होप आपको सारा क्लियर हुआ होगा. कोई फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो, अगेन आई एम टेलिंग यू, वी हैव द टेलीग्राम ग्रुप, आप वहाँ पे अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हो. वेरी सून वी विल गेट बैक टू यू थ्रू टेकिंग योर डाउट्स. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर.